सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी मैं इसमें मैंने स्टार्ट हो चुका है, लॉन्च कर दिया। ठीक अभी अटेंडेंस ज्वाइन कर रहे हैं। है जी। चेयरमैन सर, शैल वी स्टार्ट? यस सर, अभी मैं यस अपने को रुक जाया जाए, एक दो मिनट और रुक जाते हैं सर, ठीक है, लेट देम ज्वाइन। एक दो मिनट और। नमस्कार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई सी ए गिरीश नारंग, सिकासा चेयरमैन, गौतम बुद्ध नगर ब्रांच ऑफ सी आई आर सी ऑफ आई सी आई वेलकम यू ऑल टू दिस एम एस एम ई डे सेलिब्रेशन। टूडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल एम एस एम ई डे एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव विद अस रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एम एस एम ई। सो वी हैव गॉट with us Mr. Janak Bhatia ji. He is president UP state Laghu Udyog Bharti. We have Raman Chawla ji, vice president UP state Laghu Udyog Bharti, and we are privileged to have with us our Surendra Nahata ji, Noida MSME association. He will be also be joining us. So we welcome you all, sir, as our guests. And we have got our vice chairman, CIRC, Atul Agarwal sir. We welcome you, sir. And we have got our eminent speaker, Kamal Garg ji. Kamal ji, as usual, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, धन्यवाद। हमें वैसे आतिथ्य नहीं लगता, हमें लगता है कि आप तो हमारे हिस्से ही हैं। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। जी तो शुरू करने की आज हम बात करें, आज हम इंटरनेशनल एमएसएमई डे मना रहे हैं। इंटरनेशनल एमएसएमई डे जब हम मना रहे हैं तो हम समझें कि एमएसएमई का हमारे देश में आज के डेट में रोल क्या है। अराउंड 30% ऑफ द जीडीपी आज एमएसएमई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाहटा जी ने हमें ज्वाइन कर लिया, वेलकम नाहटा जी। अराउंड 30% ऑफ द जीडीपी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमई टू इन आवर नेशन एंड आवर गवर्नमेंट is targeting it to raise it to 40%. And in this, if MSMEs have to rise, our profession has a role to play in it. We have always been, I'll say, a catalyst in the development of the, we are always proud to be a part of the nation building. Continuing with that, to start this organization or function, I would like to invite our Chairman Chaman Singh ji for his welcome address. Thank you sir, thank you very much. आज हम MSME International Day मना रहे हैं, तो मैं आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारा प्रोग्राम है, मुझे लगता है ये हम सभी मेंबर्स के लिए आगे फ्यूचर में आने वाले प्रोग्राम और भी होंगे इससे रिलेटेड। तो ये MSME जो संस्था है वो हमसे जुड़ी हुई है, हमारे पास ज़्यादातर जो क्लाइंट है वो MSME से लिंक करते हैं, तो हमें काफ़ी जानकारी मिलेगी, हमारे मेंबर्स को काफ़ी जानकारी मिलेगी जो आगे बेनिफिशियल होगी सभी के लिए। और इसी बीच हमारे बीच में जो है जनक भाटी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सुरेंद्र नाहटा जी एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रमन चावला जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और हमारे स्पेशल एड्रेस करने के लिए सी अतुल अग्रवाल जी हैं, जो वाइस चेयरमैन सीआईआरसी और हमारे बड़े भाई भी हैं जिनके मार्गदर्शन में ये सारे काम हो रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ।
और इसमें कमल गर्ज जी जो है वो एज ए स्पीकर हैं। हालांकि जैसे गिरीश सर ने बताया कि वो एज ए स्पीकर बाद में है, पहले हमारे ब्रांच के सदस्य हैं, उनसे हमारे एक ब्रांच के घरेलू संबंध हम कह सकते हैं उस तरीके से है। जब हम बुलाते हैं वो हमेशा अपना समय हमें देते हैं, और बाकी इसमें गिरीश सर का काफ़ी बड़ा योगदान आया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने में। तो मैं इसी के साथ सभी का स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद चमन जी। दिस प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर एमएसएमई कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो वी हैव एड्रेस फ्रॉम आर कमेटी में चेयरमैन। सो आई वुड लाइक टू प्ले दैट एड्रेस। दे हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन बिकॉज दिस इज अ प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस, डिफरेंट ब्रांचेस एंड ऑल रीजनल councils are organizing this program. So we have got an address from our I'll just be playing that. साउंड म्यूट है, साउंड नहीं आ रही, ऑडिबल नहीं है। ग्रीस सर ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं है। गिव मी अ मिनट सर। लेट मी शेयर इट अगेन सर। Is it audible now? No, sir. Technical. आवाज तो नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है। ओम प्रकाश। शेयर सिस्टम कहाँ पे होता है? चैट जहाँ पे होता है यार, ये तो दिक्कत है ना, इसीलिए तुम्हें कहा था। तुम लोग जो है ये गड़बड़ करते हो ना, सब का प्रोग्राम गड़बड़ करा रहे हो। सर हम सर वॉइस कर लेते हैं और तब तक जो हमारे स्पीकर गेस्ट हैं इतने ग्रीशी, मेरा कहना ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। रिकॉर्डिंग जो है जब वो ज्वाइन कर लेंगे बाद में उसको बढ़ा देंगे, रिकॉर्डिंग चला देंगे। सर म्यूट है सर, ग्रीशन म्यूट हैं आप जी। एम आई ऑडिबल? जी जी यस सर। और ये शेयरिंग वाला पहले सर हटा दो सर, डेस्कटॉप। जी 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 I'm coming back to my screen as struck up, just a minute. Technology अभी हम लोग भी उतने ही expert हो पाए हैं ना जी। Share. अब स्क्रीन क्लियर है? नहीं सर अभी नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ अभी हैंग है स्क्रीन। स्क्रीन तो क्लियर है, स्क्रीन तो क्लियर है, साउंड कोई बात नहीं हो जाएगी। तो हो सकता है म्यूट हो उसका, अनम्यूट करवा दीजिए। जी गिरीश जी मेरे ख्याल से फर्दर शुरू करें। जी नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर रमन चावला जी। सर रमन जी
का नेटवर्क इशू है नहाटा जी, नहाटा जी दो शब्द कहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, वेलकम सर। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष तौर से श्री गिरीश कुमार जी आपका और हमारे प्रेसिडेंट रघु देव भाटी यूपी के हमारे अगर मौजूद हुए हैं जो भी है भाटिया जी का और रमन चावड़ा जी वाइस प्रेसिडेंट हमारे रघु देव भाटी और हमारे नोएडा के उद्यमी और सी ए श्री अतुल अग्रवाल जी, सी ए कमल गर्ग जी हैं, मैक गर्ग जी हैं और समन सिंह जी और जुड़े सभी मेरे चार्टेड अकाउंटेंट और हमारे उद्यमी बंधुओं से मैं सबका बहुत बहुत नमस्कार और इस जूम मीटिंग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी को मैं इंटरनेशनल एमएसएमई डे के लिए बधाई देना चाहूँगा। सर आज का पर्पज आपने जोड़ा और एमएसएमई वर्ग को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम मुझे लगता है शायद कुछ अवेयरनेस मिलेगी बैंकों की तरफ का भी और आईसीआईसीआई बैंक के संबंध में आपने इसको जोड़ा है। बहुत ही विकट समय गुजरा है कोरोना काल का और कोरोना में मैं समझता हूँ कि पहले वेव में बहुत दिक्कतें आई थी और सेकंड वेव में और उससे ज़्यादा दिक्कतें आई, लेकिन मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सेकंड वेव में उद्योगों को खुला रखा गया और लेकिन कुछ दिक्कतें आई कि कमर्शियल इंस्टीट्यूट बंद रहे। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर, जी सर, यस सर, वेरी गुड, आ रही है, आ रही है। नाटक जी कमर्शियल इंस्टीट्यूट बंद रखे गए उससे व्यापार ज्यादा नहीं हो सका लेकिन मजदूरों को रोजगार मिला और जो काम कर सकते थे उद्योग, मैं समझता हूँ कि नोएडा में काफी उद्योग ऐसे हैं जो डे नाइट चले, ओवरटाइम भी काम हुआ, उससे रोजगार मिला और लेबर को पलायन करने का मौका नहीं रहा, लेबर भी टिके रहे और बैंकों का काम तो बखूबी बहुत चलता रहा। बैंकों के संबंध में थोड़ी शिकायतें हम लोगों की रही तो आईसीआईसीआई बैंक भी जुड़ी हुई है शायद साथ में और सभी सीए हैं, सभी रिप्रेजेंट करते हैं अपने उद्योगों को बैंकों के साथ में। बैंकों की तरफ से हम लोग बहुत निराश हुए और अभी भी निराश है, निराशा हमें अभी भी बैंकों के कार्य प्रणाली से अभी भी है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो आप सब जानते हैं तो बैंकों के फेवर में बनते हैं, उद्योगों के फेवर में बिल्कुल नहीं बनते। लेकिन इस टाइम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जब सरकारें इतना सहयोग कर रही है तो बैंक का भी मेरा सोचना ही है कि बैंकों को भी अपने प्रॉफिट को देखते हुए कुछ ऐसे ऐसी छूट देनी चाहिए उद्यमियों को, लघु उद्यम लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्यमियों को तो विशेष तौर से के कुछ इंटरेस्ट में कम करना चाहिए, चार्जेस कम लगाने चाहिए ईएमआई को और इंटरेस्ट को उनको थोड़ा छूट देने चाहिए। तो बैंकों की तरफ से जो निराशा अभी भी चल रही है वो शिकायतें हमारी, चूंकि एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा हमारी जिला स्तर की एक बहुत अच्छी कमेटी है और सारे लगभग हजारों उद्योग जुड़े हुए हैं और सैकड़ों सीए हम लोगों के संपर्क में रहते हैं और सभी से रेगुलर बातें होती रहती है। मैं आपके माध्यम से ये एडवाइस करना चाहूँगा बैंकों को कि कुछ बैंक अपने ईयरली बेनिफिट को देखते हुए अगर कोई सहयोग उद्योगों का लघु मध्यम सूक्ष्म वर्ग के उद्योगों का अगर कर सके तो सरकार की नीतियों के अलावा, सरकार जो नीति बनाती है पीछे 20 लाख करोड़ लोन के लिए सैंक्शन किए थे और उसमें से 3 लाख करोड़ उद्योगों को मिले, लेकिन उसके अलावा भी अगर बैंक चाहती तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर तो उसमें बेनिफिट दे सकती थी। तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि कुछ उद्योगों के फेवर में बैंकों को कुछ सुझाव ऐसे दिए जाएं ताकि कुछ सरल हो सके और उद्योग पनप सके, उद्योगों को विकास, उद्योगों का विकास हो सके, उसी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो काम कर सके। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी को बहुत 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 धन्यवाद और सुनना चाहूंगा क्या धन्यवाद नहाटा जी, थैंक यू। आपने जो सजेशन दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
का काफी एक मेजर रोल है जब हम बात करते हैं बैंकिंग की, जब हम बात करते हैं एमएसएमई ग्रोथ की। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा रमन चावला जी, अगर अभी आपकी कनेक्टिविटी है तो आप दो शब्द कहना चाहें। आप म्यूट हो रमन जी, आप म्यूट हो। रमन जी आप म्यूट में हैं। मुझे लगता है रमन जी के साथ कुछ कनेक्टिविटी इशू है। जनक भाटिया जी हमारे बीच में है, प्रेसिडेंट यूपी स्टेट लघु उद्योग भारती। सर आपके धन्यवाद। मुझे लगता है रमन जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, वो नहीं चाहते कि वो मेरे सामने वो बोले। सम्मान के लिए मैं रमन जी का धन्यवाद करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम में श्री चमन सिंह जी चेयरमैन, श्री मयंक गर्ग जी हमारे महासचिव, श्री कमल गर्ग जी और अतुल अग्रवाल जी और हमारे श्री गिरीश नारंग जी जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, और मेरे परम मित्र उद्यमी और नोएडा के एक जाने पहचाने हमारे उद्योगों के प्रतिनिधि श्री सुरेंद्र नाहटा जी, मेरे साथी रमन चावला जी और सभी उपस्थित हमारे यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आशा है आप सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। जी आ रही है ना गिरीश जी? यस सर जी आ रही है। जी मैं क्योंकि थोड़ा मोबाइल से बोल रहा हूँ, कहीं बाहर था तो जानकारी मिली, जानकारी के कारण मैं आपसे जुड़ा, आपका धन्यवाद। आज ये जो एमएसएमई इंटरनेशनल डे है, इसके लिए सभी को बधाई देते हुए मुझे एक बात ध्यान आ रही है कि जब मैं पहली बार नौकरी लगा तो मैं जब अपने चेयरमैन के साथ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने बैठता था टेक्निकल, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ बुला लेते थे। अब मैं नया नया इंजीनियर था तो मुझे हैरानी होती थी कि भाई टेक्निकल बात मेरे से करनी होती है तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बीच में आकर क्यों बैठ जाते हैं। तो सारी बातें करते करते तो समय के साथ मुझे पता लगा कि हाँ, कि वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या अहमियत है, क्या महत्व है। और बाद में ये समय आया कि मुझे उनसे पूरी राय लेनी पड़ती थी कि हाँ भाई साहब ऐसा करने जा रहे हैं और इसको कैसे करेंगे कैसे करेंगे। और उसमें उसके बाद मुझे एक बार उन्होंने जापान भेजा ट्रेनिंग के लिए, तो जापान में जब मैं दो चार कंपनियों में गया तो एक कंपनी ने कहा कि हमारी कंपनी को तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाते हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें जो सबसे टॉप में होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट चलाते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा भाई तुम क्या करते हो, कहते हैं जी हमारी कंपनी को तो बैंक चलाते हैं। अभी जैसे नाहटा जी ने कहा तो ये बैंकों की जिम्मेवारी है कि वो उद्योगों को चलाएं। तो जब फिर मैंने अपना कार्य शुरू किया तो मुझे सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही जाना पड़ा और उससे हमारा काम आगे बढ़ा। अब विषय आता है कि एमएसएमई का क्या महत्व है। हम जानते हैं कि पूरा विश्व एक अर्थ के ऊपर चलता है और अर्थ में बड़े उद्योगों का अपना महत्व है, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं उनका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एक छोटा उद्योग है जो चलते हुए धीरे धीरे बड़ा बनता है, और छोटा उद्योग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो अपने साथ अपने परिवार को तो जोड़ता ही है और अपने जो काम करने वाले हैं उनके परिवार को भी जोड़ता है, जो उनको सामान देने वाला है उसके परिवार को भी जोड़ता है, और जो जिससे वो सामान लेता है या जिसको देता है वो बेचता है उसके परिवार को भी जोड़ता है। इस प्रकार से वो नेटवर्किंग जो होती है वो एक छोटे उद्योग को चलाने के लिए भी और इस समाज में अर्थ को खड़ा करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप देखेंगे कि प्राचीन काल से हमारा देश छोटे छोटे उद्योगों के कारण आगे बढ़ा,
और प्रत्येक परिवार अपने आप में एक उद्योग होता था, उद्योग के नाम से उसकी जाति बन जाती थी, और उस परिवार के अर्थ के कारण पूरे गांव का अर्थ और गांव से उस महानगर का अर्थ और हमारे देश का अर्थ होता था। और ये माना जाता है कि उस समय में लगभग आज से 100 वर्ष पूर्व हमारे देश का जीडीपी विश्व के जीडीपी का 36-40% के बीच में था। इतना उत्पादन, इतना मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होता था कि पूरे विश्व में भारत का एक स्थान था। यहां से केवल मसाले नहीं जाते थे, केवल कारपेट नहीं जाते थे, केवल कपड़ा नहीं जाता था, भारत का लोहा विश्व विख्यात था, भारत के युद्धपोत, भारत के जलपोत अपने आप में विख्यात थे, और पत्थर की नकाशी हमारे यहाँ पूरे विश्व में आप देखेंगे यहां से पत्थर जाता था। यहाँ के मसाले विश्व प्रसिद्ध थे, हीरे जवाहरात, लोग यहाँ पर सोना लाते थे और हम सोने के आभूषण बनाकर निर्यात करते थे और माने जाते थे, क्या बात है, क्या चीज है। ये जो एमएसएमई है अपने आप में किसी भी व्यवस्था की रीढ़ है। तो इसलिए ये जो एमएसएमई का एक जो बहुत बड़ा आज के समय में महत्व है, उसको जो चलाने के लिए दो पांव चाहिए। ऐसा एक बार मैंने सुना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो मैं तो जानता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंक, वो उसके पांव हैं। एक पांव चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक बैंक है, वही उसको चला पाता है, नहीं तो वो व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। और आज के समय में जब हम भारत की बात करेंगे एमएसएमई इंटरनेशनल डे पर, विश्व में भारत की साख बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चीन का जो एमएसएमई है वो एक्सपोज हो चुका है, द रिलायबिलिटी द ट्रस्ट हैज गोन अवे एंड पीपल हैव स्टार्टेड कि हाँ, भारत का प्राचीन काल से जो ट्रस्ट था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उसका उदाहरण हमने दिया कि हमने जब वैक्सीन बनाई तो उस समय इतना ज्यादा कोरोना नहीं था, तो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन देशों को अगर आवश्यक है हमें देना चाहिए। और उसका लाभ क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ कोरोना बढ़ा तो सभी देशों ने कहा कि आप हमारे से लीजिए, क्योंकि आपने हमारी सहायता की है। इसी को कुटुंब कहते हैं, इसी को भारतृभाव कहते हैं। तो ऐसे समय में, आज के समय में जो एमएसएमई इंटरनेशनल डे में एमएसएमई का एक बहुत बहुत बड़ा महत्व है। लघु उद्योग भारती पूरे देश में एक सबसे बड़ा लघु उद्योगों का संगठन है। देश के 450 जिलों में हमारी इकाइयां हैं, प्रत्येक प्रदेश में हमारी कार्यकारिणी है, अध्यक्ष है, और हम समय समय पर सरकार के साथ जो जरूरी इंटरवेंशन होता है उसके लिए हम काम करते हैं, सरकार के साथ विचार विमर्श करते हैं। आज वो चाहे जीएसटी काउंसिल है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो ईएसआई है, सभी की उसमें बोर्ड में हमारे सदस्य हैं और समय समय पर हम सरकार को सहायता देते हैं। लेकिन एक विचार और जो लघु उद्योग भारती प्रतिपादित करना चाहता है, जिसमें आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी आवश्यकता है, जो आज के समय में मैं कहूंगा, वो यह है ग्राम शिल्पी उद्योग। अगर हम देखेंगे कि आज कृषि में भारत बहुत अग्रसर है, लेकिन कृषि पूरी मैकेनाइज होती जा रही है, और हमारे गांवों में छोटी छोटी जो इंडस्ट्री थी उसका इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम प्रेजेंटेशन बनाएं तो आज वो बढ़ सकता है। अगर हम देखेंगे कि हमारी छोटी इंडस्ट्री में जो सामान बनता है अगर उसको हैंड होल्डिंग मिलती है तो बहुत आगे बढ़ जाती है। अभी मैं खुर्जा गया, खुर्जा में छोटी छोटी कई इकाइयां हैं और उन्होंने मुझे कुछ
दो साल पुरानी बात है, मग दिए तो वो मग मैं लेकर जर्मनी में अपने एक एग्जीबिशन में गया तो मैंने उसको वो दो मग दिए, वो उसको देखकर इतना खुश हुआ, अरे हैंडक्राफ्टेड है ये तो। और उसने उसके बाद अपने घर में वो मग लेके गया और कॉफी पीते हुए अपनी पत्नी के साथ फोटो मुझे भेजी, 10 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया। वास्तव में जो टेक्नोलॉजी हमारी गांवों में अभी है, हमें जरूरत है वहां पर उस इंडस्ट्री को प्रतिपादित करने की। आज जो क्लॉथ हमारे यहाँ बनता है, जो साड़ी बनती है और जो दरी बनती है, जो कारपेट बनता है, पूरी दुनिया में उसकी आवश्यकता है, उसका एक्सपोर्ट हो सकता है। जरूरत क्या है कि उन लोगों के पास उस तरह की हैंड होल्डिंग नहीं है जो हम लोगों के पास है। और ये हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हमने अपनी जीडीपी को बढ़ाना है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं काम देना पड़ेगा। एमएसएमई का अर्थ ये भी है कि हमारे देश में 130 करोड़ तो लोग हैं ही, 260 करोड़ हाथ हैं। अगर हम उनको काम देंगे तो वो भी काम पे लगेंगे और हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ऐसा संभव नहीं है कि एक फैक्ट्री में मैगी बने और हम सभी लोग अपने घर में उस मैगी को खाएं और हमारे को और खाना वाना बनाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही फैक्ट्री में जूते बने और पूरे भारत में 130 करोड़ घरों में वो वितरित हो, तो बाकी लोग क्या करेंगे। आज के समय में हमें इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि हम विचार करें कि किस प्रकार से एमएसएमई का विकास हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, और बैंकों को साथ लेकर हम जब अपना प्रोफेशन करते हैं उसके साथ साथ हम इसको सामाजिक दायित्व भी माने कि अगर हम 4 लोगों को उसके रोजगार के लिए खड़ा कर देंगे और उसको उद्यमी बना देंगे कि वो अपना काम खुद करे, वो जो लकड़ी के खिलौने बनाने वाला है उसका बेटा दिल्ली में आकर नोएडा में आकर 8,000 की जो नौकरी करता है, अगर वो ऑनलाइन उन खिलौनों को बेचना शुरू कर दे तो शायद बेटा उस व्यापार में भी खप जाएगा और दिल्ली में आकर 8,000 की नौकरी नहीं करेगा। ये हमारा एक दायित्व है जो आने वाले समय में हमें सोचना पड़ेगा कि अगले 30-40 वर्ष में किस प्रकार से उसको हमने देखना है। आप सभी तो अनुभवी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने जाते ही हम लोग थोड़ा डरने भी लगते हैं कि ना जाने क्या होगा, किस प्रकार से इनसे बात कहें। पैसा मांगना है तो कहना पड़ता है कि भाई साहब कहीं से व्यवस्था करवा दो, तो आप तो हमारे क्या कहेंगे, अन्नदाता भी हैं अर्थदाता भी हैं। तो आज के इस दिन में आप सभी ने मेरी बात को सुना और कुछ मेरे से गलत निकला हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, और इसी बात के साथ कि हम सब मिलकर इस विश्व को आगे ले जाने के लिए काम करें, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आज के हमारे इस आयोजन का विषय है सीएस स्विफ्ट रेस्पोंडर्स टू एमएसएमई नीड्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा एक एक्टिव रोल प्ले करता रहा है किसी बिजनेस के ग्रोथ में, तो इसी विषय में मैं आगे आज हमारे बीच है हमारे अतुल अग्रवाल जी और वाइस चेयरमैन। I would like to request our Vice Chairman CIRC and our ex-officio member of our branch, our own Atul Agarwalji, sir, for your special address on this topic. Thank you very much, Girish ji. Respected Chairman C.H. Chaman Singh ji, Vice Chairman Dilip Kumar ji, Secretary Mayank Garg ji, Chief Guest of the today's program, Shri Janak Bhatia ji, रमन वाइस चेयरमैन लघु उद्योग, वाइस प्रेसिडेंट लघु उद्योग भारती रमन चावला जी, चेयरमैन एमएसएमई एसोसिएशन नोएडा सीएस श्री सुरेंद्र नाहटा जी, अटेंडीज प्रेजेंट हियर एंड टुडेज स्पीकर सीए कमल गर्ग जी हु इज प्रेजेंट हियर इनटू दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस इंटरनेशनल एमएसएमई डे
And as it was rightly pointed out by Surinder Nahata ji and Janak Bhatia ji ki jo aaj hamari industry ki zarurat hai kahin na kahin ek bank ka jo support hai jo hona chahiye wo kahin na kahin missing hai. Main jahan tak samajhta hu Bharat sarkar ne last year apni kuch schemes especially to support the MSME sector lekar ke aaye the jisme 20000 crore ka fund unhone simulation fund ke naam se banks ko आदेश दिया था कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इस कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पा रही हैं, उनके आउटस्टैंडिंग अगर 25 करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से नीचे है तो उनको 20% का एक फाइनेंशियल सपोर्ट देना था. तो मैं जहां तक समझता हूं काफी बैंक्स को उसकी डायरेक्शंस भी गई हैं और अगर कहीं कोई इस तरीके की कमी महसूस हो रही है तो सुरेंद्र जी और जनक जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आप सबसे निवेदन करूंगा कि उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से भी अगर सरकार को जाएगा तो डेफिनेटली एक बैंक्स को उसके लिए डायरेक्शन आने की बहुत बैंक्स के पास उसकी डायरेक्शन जरूर आएगी. और एक चीज और मैं आप बताना चाहूंगा सर कि आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि जो इंटरेस्ट का बेनिफिट सिर्फ पहले सरकार ने 2 करोड़ रुपए तक के एडवांसेस पर दिया था वो उन्होंने सभी एडवांसेस के लिए फ्रॉम 1st मार्च 2000 टिल 31st अगस्त 2000 सभी को उसका बेनिफिट दिया. इसका मतलब उस दौरान अगर किसी का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है तो वो आपको डेफिनेटली मार्च में या 7 अप्रैल के आसपास रिवर्सल हो गया होगा. मैं जहां तक समझता हूँ आरबीआई और भारत सरकार उस पर काफी फोकस कर रही है. इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें और आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा. जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं अभी, जैसे खुर्जा की इंडस्ट्रीज का, पॉटरी उद्योग का जनक जी ने उदाहरण दिया तो डेफिनेटली वो पॉटरी उद्योग इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है. इसी तरीके से कारपेट उद्योग जो है बनारस, तो अगर आप बनारस जाएं जिसमें भदोही एक जगह है तो भदोही से कारपेट उद्योग इतना फेमस है जो इंटरनेशनल लेवल पर कारपेट्स एक्सपोर्ट होते हैं. एक हमारी जरूरत ये है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ रही हैं उनको वो अगर हमारे जो लघु या जैसे अभी गांव में जो लोग हैं जो हाथ से काम कर रहे हैं उनके साथ अगर हम हैंड होल्डिंग करके चले तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये एक अवसर सबको मिलेगा. इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम खादी एंड ग्रामोद्योग के साथ जुड़ करके कुछ खादी और ग्रामोद्योग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के चले और उसके साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लेकर के भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें सब्सिडीज हैं, टेक्सटाइल को लेकर के बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें सब्सिडीज हैं और नोएडा जो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक हब के नाम से फेमस है तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जिसमें उन्होंने यूपी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2017 व्हिच वाज अमेंडेड इन 2019 एंड अगेन अमेंडेड इन 2020 उसी पॉलिसी के तहत अगर आप देखें तो नोएडा में वर्ष 2019 में लगभग 60,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया एंड वाज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. तो कहीं ना कहीं हमारे को उन सारी स्कीम्स को जानने की आवश्यकता है. भारत सरकार ने एक नोडल एजेंसी इसके लिए अपॉइंट कर रखी है जिसका नाम है investindia.gov.in और जहां जब आप investindia.gov.in पर जाते हैं तो वहां हमारे उत्तर प्रदेश की जो भी पॉलिसीज हैं वो वहां पर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं. और फ्रेंड्स मैं इसमें एक चीज और आप सबके सामने कहना चाहूंगा कि जो हमारी स्कीम्स हैं वो इस तरीके से भी हैं कि अगर आप 100% इन्वेस्टमेंट भी आपको सब्सिडी की शेप में वापस मिल सकता है. ऐसी स्कीम होना हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए जो स्कीम है उसमें उन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मेगा इन्वेस्टमेंट और एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट. तो मेगा इन्वेस्टमेंट तो यहाँ तक आपको सुविधा है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपको सब्सिडी की शेप में वापस मिल जाएगा. सिर्फ जरूरत है तो हमारे को हमारी जो भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम्स हैं जो एमएसएमई पर एप्लीकेबल हैं उन स्कीम्स को जानने की हमारी आवश्यकता है और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर के उन स्कीम्स को अपने जो एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनमें हम इम्प्लीमेंट कराएं. फ्रेंड्स इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, लास्ट ईयर में एमएसएमई का एक प्रोग्राम अटेंड मैंने किया था तो उसमें एमएसएमई के जो भारत सरकार का जो उपक्रम है उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया कि वो इस तरीके की व्यवस्था उनके यहाँ भी है. जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ नोएडा में कुछ कास्टिंग यूनिट्स हैं, कुछ अपना टेस्टिंग मटेरियल के लिए एक अलग अलग जगह भेजती हैं, कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई गुड़गांव भेज रहा है, तो उसमें उनके यहाँ इस तरीके की भी व्यवस्था है कि अगर आप चाहें तो 10 यूनिट मिलकर के एक टेस्टिंग सेंटर अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं और उसके लिए एमएसएमई
की तरफ से पूरा सपोर्ट है और वो 20 करोड़ तक का सपोर्ट वहां से मिलता है, तो उसमें मान लीजिए आपके 10 उद्योग एक ही, मैं ये मान के चलता हूँ नोएडा में मान लीजिए 50 उद्योग हैं जो कास्टिंग में काम कर रहे हैं, उनको टेस्टिंग के लिए जाना है, तो आप एक टेस्टिंग सेंटर नोएडा में भी लगा सकते हैं, उसके लिए सरकार आपको जमीन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। और जहां तक एमएसएमई उपक्रम का सवाल है, वो भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उसके लिए देने के लिए तैयार है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हमें उन सारी स्कीम्स को समझना है और उन स्कीम्स को समझ करके आगे उनका कैसे क्रियान्वयन हो सके उस पर हमको ध्यान देना है। और मैं समझता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से मैं आप सबको एश्योर करता हूँ कि हम आपके साथ हैंड होल्डिंग, हमेशा हमारी हैंड होल्डिंग रहने वाली है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि जनक जी ने बताया कि हिंदुस्तान के बाहर कंपनीज को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेड करते हैं, तो सर मैं एक थोड़ा सा एक जानकारी और दे देता हूं। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है सर, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। इट वाज फॉर्मड वे बैक ऑन 1 जुलाई 1949, यानी कि जब तक हमारा भारत का संविधान भी लागू नहीं हुआ था तब से हमारा संस्थान काम कर रहा है। और देश के बाहर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, सिंगापुर, मलेशिया, जहां जितनी भी कंपनीज हैं आर बीइंग हेडेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो मैं आपको अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से और अपनी तरफ से ये आश्वासन देता हूं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ जो भी जिस तरीके से भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, जो भी क्रियान्वयन सरकारी स्कीम्स का जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का साथ हमेशा मिलने वाला है। और मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड से भी ये निवेदन करूंगा कि जो भी स्कीम्स भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की इम्प्लीमेंट करनी है, उनके लिए हम अपने इंडस्ट्रीज को, अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें, उनको अपने सारी स्कीम्स के बारे में बताएं, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें बैंक में भी जाकर के उनका सहयोग करना होगा। एक और छोटा सा जानकारी दे दूं, अगर हम जो बैंक लोन की बात कर रहे हैं तो जो नई यूनिट आप लगाने जा रहे हैं, सिडबी हैज कम अप विद लॉट्स ऑफ गुड स्कीम्स जिसमें वो सिक्योरिटी की भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती है, और अगर आप सिडबी से लोन लेने जाए तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका काफी कम रहने वाला है। एंड पिछले साल विगत वर्ष में सिडबी ने इवन 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लोन दिया है। तो मैं इस सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके लिए हमारे साथ आज एक स्पीकर आज जुड़े हुए हैं, सीए कमल गर्ग जी, वो एक लर्नेड स्पीकर हैं। सो मैं गौतम बुद्ध नगर ब्रांच का बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, और मैं अपनी इंस्टीट्यूट की तरफ से, अपने सीएआरसी रीजन की तरफ से अपने सारे साथियों को जो एमएसएमई उद्योग से जुड़े हुए हैं उनको भी आश्वासन देता हूं कि हमारी तरफ से जो भी जिस तरीके की मदद आप सबको हो सकती है हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ओवर टू गिरीश नारंग जी फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स। धन्यवाद अतुल जी। एक चीज मैं और सबको याद दिलाना चाहूंगा, आज इंटरनेशनल एमएसएमई डे है और आज इंटरनेशनल एसएमपी डे भी है, स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स का। हमें मैक्सिमम प्रैक्टिशनर्स जो है वो स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स है, तो आज एमएसएमई का डे भी है और आज हमारा दिन भी है, तो आप सबको इंटरनेशनल एसएमपी डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं ज्यादा समय ना लेकर अपने लर्नेड स्पीकर हमारे साथ हैं कमल गर्ग सर। कमल जी, नाउ आई हैंड ओवर टू यू, प्लीज टेक द चार्ज। थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा इंटरनेशनल एमएसएमई डे की, एंड गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू हु इज लिसनिंग मी। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं अपनी और अपनी बातों को डिटेल में समझाऊं, एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है, मैं चाहूंगा कि गिरीश जी इसका जवाब देने की शुरुआत करें। एमएसएमई जो बिजनेसमैन है उसका तो अपने बिजनेस में विश्वास है, तभी वो बिजनेस कर रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि एमएसएमई बिजनेसमैन का तो बिजनेस में विश्वास है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसके बिजनेस में विश्वास है? बिल्कुल है। दूसरा सवाल कि जैसे मैंने सुना अभी कि हम ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात की है जनक सर ने कि दो पांव हैं एमएसएमई के, एक है बैंक, एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का विश्वास है लेकिन बैंक का विश्वास है? अगर वो बैंक का विश्वास नहीं है तो एमएसएमई तो लंगड़ा हो गया, अपंग हो गया, वो विश्वास क्यों नहीं है बैंक का? क्या केवल और केवल बैंक की स्कीम्स ही जिम्मेदार हैं? क्या केवल आरबीआई की स्कीम्स ही जिम्मेदार हैं? क्या एमएसएमई बिजनेसमैन जिम्मेदार है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है? मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, फिर भी सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट
जो बैंक का विश्वास नहीं बनता एमएसएमई पर किसी भी वजह से, वजह की चर्चा हम करेंगे अभी, क्या उन वजहों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अतुल जी कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में इंटरजेक्ट किया था आपको। अतुल अग्रवाल से कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं किया था मैंने, नहीं नहीं मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा विश्वास है एमएसएमई में, और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जब भी हम किसी कंपनी को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं सर आप एमएसएमई में रजिस्टर करा लीजिए। और आई एम श्योर अकाउंटेंट भाई लोग भी जानते होंगे कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग भी एमएसएमई हो सकते हैं। सवाल आपका कि डेफिनेटली बैंकों का भरोसा नहीं है, तो मैं जहां तक समझता हूँ हम सबकी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, जिसमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एज ए इंडस्ट्री थोड़ा सा कमी हो सकती है। और वो कमी ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री चलाने में कमी है, सिर्फ कमी इस चीज की है कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन पर हम फोकस नहीं कर पाते। वो हमारे एक सपोर्ट नहीं कर पा रही। बिल्कुल ठीक फरमाया अतुल जी आपने, मैं इसी बात को और तरजीह देते हुए बोलना चाहूंगा, अगर आज मुझे मद्रास जाना हो और मुझे तमिल नहीं आती, आई विल यूज इंग्लिश। मुझे जापान जाना हो और मुझे वहां की भाषा नहीं आती, आई विल यूज इंग्लिश। अभी आ रही है सर? हाँ अभी आवाज आ रही है सर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, अकाउंटिंग इज द बिजनेस लैंग्वेज एंड दैट बिजनेस लैंग्वेज इज गिवन द इंटरप्रिटेशन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रांसलेटर का काम करता है, लेकिन क्या वो जो अकाउंटेंसी है वो प्रॉपर है? मुझे जितने भी सुन रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बंधु, मुझे एक बात का जवाब दें, क्या आपने कभी एमएसएमई को ये मेंटर किया, ये समझाया कि बैंक के अलावा भी फाइनेंस रेज करने का या फाइनेंस अरेंज करने का कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई ऑल्टरनेटिव है? हम हमेशा बैंक की तरफ जाते हैं, कभी हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं, कभी हम कुछ इंसेंटिव स्कीम्स की बात करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं बैंक जब बोलता हूं तो मैं साथ में एनबीएफसी भी शामिल कर लेता हूं। क्या हमने एमएसएमई यूनिट्स को यह बताया कि आप फंड्स का अरेंजमेंट कहां से कर सकते हैं? दूसरा सवाल जो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है वो ये है, काफी सारी एमएसएमई यूनिट्स ऐसी होंगी आज की डेट में जिन्होंने अपना माल उधार पर बेचा होगा लेकिन पैसे रिकवर नहीं कर पा रही होंगी, तो जो पैसा वहां ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पैसे को रिकवर कराने के लिए हमने क्या सलाह दी उन्हें? क्योंकि अगर वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा है तो बैंक भी उसको एक ठीक नजर से नहीं देखेगा, कहेगा कि जब आपका जो यूनिट है वो पैसा रिकवर करने में सक्षम नहीं है तो वाई आई शुड टेक योर बर्डन। जब हम पैसे रिकवरी की बात करते हैं तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि वकील साहब के पास जाएं और वकील से कहें कि ऑर्डर 37 सीपीसी का केस कर दे। एमएसएमई यूनिट क्या केस में लगी रहेगी या बिजनेस चलाएगी? तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है एमएसएमई का, उसको आगे एम्फेसाइज करने के बजाय उसके राह में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी तो यहां पर यह भी बनती है कि उसकी मेंटरशिप की जाए। और जब मेंटरशिप की बात आती है, मैं छोटे छोटे उदाहरण लेता हूं, फिर उसके बाद में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको डिटेल में बताऊंगा। दिलीप जी आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो जवाब दीजिएगा, एमएसएमई यूनिट बैंक के पास लोन लेने जाती है, वो लोन किसी प्रकार का भी हो सकता है, मैं लोन के टाइप्स में नहीं जा रहा, तो बैंक की जनरल रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने फाइनेंशियल को सर्टिफाई करवा के लाइए। जनरल इसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं कि भविष्य में कितनी इनकम होगी, कितना रेवेन्यू होगा, इसको सर्टिफाई करवाइए। आप मुझे बताइएगा दिलीप जी, जब वो रिपोर्ट बनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब वो रिपोर्ट बनती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है इस रिपोर्ट को, क्या वो रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लेटर हेड पे निकालता है? क्या वो रिपोर्ट चार पेज की होती है या पूरी स्पाइरल किताब होती है? सर अगला ही सवाल है दिलीप जी, इसमें थोड़ा सा और सवाल जुड़ा है, उसके बारे में इकट्ठा जवाब दीजिएगा। जब आप डेप्रिसिएशन उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स या नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हो, हम में से कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे होंगे, शायद मोर देन मेजोरिटी होंगे, जो डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ एमएसएमई यूनिट, मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रोप्राइटरशिप फर्म की या पार्टनरशिप फर्म की, कंपनीज की बात नहीं कर रहा, कंपनीज की बात मैं सेपरेटली कर लूंगा। अगर एक प्रोप्राइटरशिप है या एक पार्टनरशिप है और वो एमएसएमई यूनिट है, लघु उद्योग है, तो
तो उसकी किताबों में जो डेप्रिसिएशन डालते हैं हम लोग, वो डेप्रिसिएशन कौन से रेट से डालते हैं? ऐसा नहीं है कि वो डेप्रिसिएशन हम इनकम टैक्स वाला रेट ले लेते हैं। और अगर हम इनकम टैक्स का रेट ले रहे हैं डेप्रिसिएशन का, तो वो रेट जो होता है ज्यादा होता है। ज्यादा डेप्रिसिएशन होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी मेरी कम होती है, असेट का ब्लॉक मेरा कम हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि बैंक जब देखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम है, असेट की बुक वैल्यू कम है, तो बीइंग अ बैंकर मेरे पास ऐसा क्या सब्सटेंस है इसके चलते मैं लोन दूं या ज्यादा लोन दूं? सब कुछ एमएसएमई वर्ग से भी जवाब लीजिए, हम भी आपको जवाब देंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल आदमी। आप हमसे जवाब लीजिए, हम देंगे आपको एकदम सही जवाब, सीख जवाब। सर आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से। क्या बैंकर सर, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, क्या एमएसएमई है? मुद्दा ये है यहाँ पर सर सुरेंद्र जी, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ब्रिजेस नो, लैक ऑफ अवेयरनेस क्रिएट्स अ डीप डिच। मेरे को जानकारी नहीं होगी, बैंक को जानकारी नहीं होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानकारी नहीं होगी, तो जब किसी को जानकारी नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? तो दिलीप जी मेरा सवाल वहीं का वहीं आता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, आप कितना कॉन्फिडेंट है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनती है वो दमदार प्रोजेक्ट रिपोर्ट है? सर जो एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो बेसिकली वो एस्टिमेशन बेसिस पर होता है, तो वो जो एस्टिमेट अपना देता है या हम जो उससे एस्टिमेट लेते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए बनाने के लिए, वो एक प्रोजेक्शन पास सेम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम लोग लेते हैं, लेकिन वो 100% कॉन्फिडेंस हम, मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं होता हूं उस रिपोर्ट पर। बस मुझे यही सुनना था। हाँ जी, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बैंक में जाके वो अपने क्लाइंट बिजनेसमैन की बात को कैसे रख पाएगा? करेक्ट सर, क्योंकि हमने एस्टिमेट लिया एमएसएमई यूनिट से, उस एस्टिमेट का रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी मेरी रिपोर्ट में होना चाहिए ताकि मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर पाऊं। इस बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा, जो मेरा तजुर्बा रहा, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन मैं इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिस करता हूं, और जो मैंने देखा हाल फिलहाल के अंदर सारी चीजें बताऊंगा आप में से कितने लोग इस चीज से परिचित है एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एंजल फंडिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा मिज़ानिन फाइनेंसिंग, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है ट्रेड्स, TREDS, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, एंड मोर इंपोर्टेंटली आप इसे कितने लोग परिचित हैं कि एसएमई की लिस्टिंग हो सकती है? आप इसे कितने लोग जानते हैं कि व्हाट इज फैक्टरिंग? अतुल अग्रवाल जी आप तो पार्टी रिलेटेड है तो पेपर लीक हो जाएगा आपके साथ, आपसे जवाब नहीं लूंगा क्योंकि अतुल जी है ना पार्टी रिलेटेड है मेरे केस में, तो ये जवाब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप में से कितने लोग इस बात से परिचित हैं कि एक एमएसएमई यूनिट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ले सकता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो रेट होगा वो काफी कॉम्पिटिटिव होगा इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के मुकाबले, और यहां पर यह जानना जरूरी है कि एमएसएमई का जो बिजनेसमैन होगा उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, वो अवेयरनेस जिसको मैं बोलूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज टीचर्स काम कर सकते हैं। कितने लोग हम में से ऐसे होंगे जिनके क्लाइंट्स जो एमएसएमईज हैं, दे मे बी फेसिंग स्ट्रेस कि बैंक ने उनका अकाउंट एनपीए कर दिया? जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं मुझे बताइएगा कि आज की डेट में अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मैं आरबीआई की बात नहीं कर रहा, क्या कुछ ऐसा प्रावधान है कानूनों के अंदर कि जो एमएसएमई स्ट्रेस यूनिट बन चुकी है, जिसका अकाउंट एनपीए हो चुका है या ऑलमोस्ट होने वाला है, वो इसको रिवाइव करने के लिए कुछ कर सके? और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या मरते हुए बिजनेस को जो कि एनपीए की वजह से शायद ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है उसको रिवाइव करने के लिए क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ कर सकते हैं, कि कोई ऐसा प्रावधान है कानूनों में? सुरेंद्र जी मैं अभी आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ इसमें इनपुट देना चाहें सर। सर मैं बताना चाहूंगा आपको, आपके अभी 5-6 सवाल थे, उसका मैं एक एक जवाब आपको देता हूं। मैं समझता हूं जितने भी सीए बैठे हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, बैंक एक बॉडी हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गया, और उसके रूल्स जो है वो आरबीआई से बन गए,
सरकार ने बना दी। आरबीआई के रूल्स को छोड़ के बैंक इधर उधर जा नहीं सकती है जी। और जब बैंक के पास एमएसएमई पहुंचती है लोन के लिए तो उसे वो 24-25 पॉइंटों के एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए। मैं सर यहाँ बताना चाहूंगा कि सीए और एमएसएमई दोनों अगर मिल जाते हैं तो ये बैंक के रूल और रेगुलेशन सब खत्म हो जाएंगे सर। जब सीए और एमएसएमई जब मिलते हैं तो देखिए सीए जो है एक ऑथराइज सिग्नेटरी बॉडी है, कोई भी डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर सकते हैं। जितने भी एमएसएमई को फैसिलिटी लोन या जितना भी फंडिंग मिलती है समझ लो आपके आपके ऑथराइज सिग्नेटरी से ही मिलती है। और अगर एमएसएमई और सीए अगर मिल गए तो बैंक की आरबीआई की रूल रेगुलेशन सब फेल हो जाती है सर, कोई काम नहीं आती। और जब ऑडिट के लिए सीए आते हैं तो सीए ही है जो एनपीए कर सकते हैं और सीए ही है जो उसको तार सकते हैं। तो यहाँ जो सीए का रोल है एमएसएमई के साथ में मिलके उद्योग चलाने का, उसमें सर दो बातें हो जाती है। एक एमएसएमई अगर एक्चुअल एमएसएमई है बिजनेस चालू करता है और वो लोन के बेस पे अगर बिजनेस चालू करता है तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारा हमने दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे उद्योग देखे हैं कि लोन बेस पे अपना उद्योग चलाते हैं, लोन के लिए उद्योग चलाते हैं, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो सीए को जी सीए को ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये जो एमएसएमई अपना उद्यमी है ये जो उद्योग चला रहा है वो लोन लेने के लिए उसको यूटिलाइज करने के लिए लोन चला रहा है या वास्तव में ये उद्योग चला के बैंक को भी फंडिंग या अपना पैसा कमाने के लिए चला रहा है। तो जब ये अगर डिसाइड कर लेता है तो उसके बाद में फिर अगर सीए कोई भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अगर करके देगा तो मैं समझता हूँ देश के प्रति उसकी एक अच्छी सहानुभूति होगी। और सीए अगर ये देख लेगा कि ये तो पैसे उठा रहा है और पैसे अपना मिसयूज करेगा तो उसको तो सीए को भी फेवर नहीं करना चाहिए सर। हमारे नोएडा में 20,000 हमारे जिले में 20,000 उद्योग हैं सर और सभी उद्योग प्राय सभी उद्योग हमारे टच में है। और मैं चूंकि जिला अध्यक्ष होने के कारण जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है तो एक दो दफे तो हमारे अतुल अग्रवाल जी के ऑडिट के भी एक दो पार्टी मेरे से संपर्क किया था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सीए और एमएसएमई को हमें ये सोच के चलना पड़ेगा और सीए को एमएसएमई को ये एडवाइस करनी पड़ेगी कि आप कोई भी काम करें तो पैसा ऐठने के लिए ना करें। आप बैंकों को अगर यूज में लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं तो आप उसको पैसा कमाने के लिए यूज में लीजिए। अब देखिए सर, किसी ने अगर 10 करोड़ ले रखा है और 2 करोड़ 5 करोड़ अगर और लेना चाहता है और फिर वो उसी स्थिति में आ जाता है कि उसको फिर फाइनेंशियल टाइटनेस होगी तो फिर उससे कोई फायदा नहीं, तो वो स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। जी एमएसएमई वर्ग को ये सोच के चलना पड़ेगा। साथ में सीए की जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि सीए जो है एक मीडिएटर हो गया सर बैंक और उद्यमी को करने के लिए। सीए एडवाइस करेगा बैंक को तो बैंक ठीक से देगी और वो एडवाइस करेगा उसको तो उसको। तो एक जो मुख्य रोल मैं तो कहता हूँ सर, जैसे जनक भाटिया जी तो इतने तजुर्बा इनको हो गया क्योंकि पूरा यूपी ये देखते हैं, प्रेसिडेंट एलयूपी के यूपी के हैं और मैं समझू साहिब इनको तो आजकल गाड़ियों में टाइम कट जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का और जगह जगह इन्होंने अपना मीटिंग करने का और इतना एक्सपीरियंस हो गया है। इन्होंने जो हाथ और पांव बताया मुझे, पांव अगर दोनों बताए बैंक और सीए का तो मैं समझता हूँ सर एक पांव पे भी एमएसएमई चल सकता है अगर सीए मजबूत हो, वो उसे ठीक एडवाइस करे और बैंकों को ठीक से हैंडल करे तो सर उद्योग चल जाएंगे मेरा ये मानना है। बिल्कुल तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कमल जी मुझे थोड़ा सा एक मिनट के लिए बस परमिशन दे दीजिए। सुरिंदर बिल्कुल सही बोला कि भाई अगर सीए सही तरीके से एडवाइस करे तो डेफिनेटली कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी एक शब्द यूज किया था कि जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है, क्योंकि सीए के दो अलग अलग हैं और जिस घटना का सुरेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं, जब हम एज ए बैंक में एज एन ऑडिटर जाते हैं तो वहां हमें डेफिनेटली सीए की गाइडलाइंस हैं, बैलेंस शीट्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। और इस चीज के सुरेंद्र नाटा जी भी हैं, उन्होंने बहुत प्रेशर डाला, उसके बाद भी मैं अकाउंट एनपीए करके आया, मैं नहीं छोड़ सकता था क्योंकि बैंक की परमिशन, बैंक की गाइडलाइन उसमें अलाउ नहीं करती थी। तो नाटा जी मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जैसा अभी दिलीप जी ने बोला कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये दिलीप जी का जवाब मेरे को शायद नहीं समझ आया।
क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसकी हेल्थ हमको पूरी पता होती है, हमको सब कुछ पता होता है कि वो प्रोजेक्ट जो लगाने जा रहा है वो जेन्युइनली उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा या नहीं करेगा, वो आगे चल के प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा वो बात की बात है, कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि वो प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहा वो एक अलग बात की बात है, लेकिन क्लाइंट की इंटेंशन पहले दिन क्लियर हो जाती है कि क्या क्लाइंट का पर्पज है। और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी जिम्मेदारी ये है कि जहां क्लाइंट का मोटिव हमको ये दिख जाए कि वो इंडस्ट्री नहीं चलाएगा, पैसे का मिसयूज करेगा, वहां हमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई काम कोई सर्टिफिकेशन करके देना ही नहीं है। आप ये समझिए एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज की वजह से बैंकर को डर लगता है, हर किसी को वो लोन नहीं दे रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं जॉइंटली एक जिम्मेदारी ये निभानी है कि जो इंटेंशन, मैं ये बात नहीं कह रहा कि इंटेंशन खराब है तब भी मैं इंटेंशन सही है तब इंडस्ट्री खराब होगी तब क्या होगा, अगर हमारी इंटेंशन ठीक है, इंडस्ट्री चलाने की इंटेंशन है, तो मैं इस चीज की एश्योरेंस देता हूँ कि बैंक और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ सर इंस्टीट्यूट की तरफ से। ओवर टू कमल जी, आई एम सॉरी कमल जी, सर आप तो आपके विचार व्यू सुने मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपसे, मैं हर तरीके से एग्री हूँ, लेकिन सर मैं थोड़ा सा यहाँ इत्तफाक नहीं रखता कि बैंक और सीए दोनों मिलके चाहते हैं एमएसएमई का, लेकिन आज के टाइम में बैंकर जितने भी है वो देखिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और आरबीआई को फॉलो करते हैं, वो कहीं जाके बैंक आज के दौर में परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेक से जो काम लेना चाहिए वो बैंक काम नहीं ले रही है, वो एमएसएमई वर्ग को इतना हैरेस कर रही है आज के टाइम में। मैंने बिल्कुल बाकायदा रिटर्न में मैंने कंप्लेंट दी हुई है, देखिए ईएमआई के लिए इंटरेस्ट के लिए एनपीए का डर दिखा के और उससे पैसा ऐठना और उसको गर्द में डालना उद्योग को, देखिए बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, बैंक को भी सोचना चाहिए। अभी एक उद्योग का पैनल इंटरेस्ट लगा के 1.25 लाख रुपए, मतलब हर महीना 1 लाख रुपए उसका पेमेंट इंटरेस्ट का होता है, वो पैनल इंटरेस्ट लगा के 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, फिर जब रिटर्न में कंप्लेंट गई तो 1.25 लाख रुपया उसका अभी वापस जमा किया, तो जो 1.25 लाख उसका रोटेशन रुक गया उससे उसको बहुत नुकसान हो रहा है उसको। तो ये चीजें बैंक वाले कुछ नहीं देखते सर, मात्र सीए है जो बैंक को एडवाइस कर सकता है, सीए है वो एमएसएमई को एडवाइस करता है। मैं बिल्कुल आपके बात से एग्री हूँ, आपने बहुत अच्छा सब स्टेप लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सीए जो है वो मैं नहीं चाहता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी भी उद्यमी को सीए बिल्कुल एडवाइस ना करे, उसे अगर ऐसा लगे कि भी ये फंड लेके मिसयूज करेगा तो उसको सैंक्शन नहीं करना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा सर आज ये मैं ये चाहता हूँ, और गिरीश कुमार हमारे नारंग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसी मीटिंगें रेगुलर आप करते रहिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। अभी जो सुरेंद्र जी ने बात बोली कि बैंक ने पिनल इंटरेस्ट लगाया, जब मैं अपना सेशन कंप्लीट करूंगा तो इसका जवाब दूंगा कि बैंक अगर ऐसा करे तो करना क्या चाहिए, क्योंकि जो ये बैंक्स की मनमानी है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम बैंक्स की मनमानी की बात करते हैं तो आरबीआई नॉर्म्स के खिलाफ तो वो जा नहीं सकते, तो यदि कभी ऐसा हो तो एमएसएमई यूनिट्स ही नहीं बाकी यूनिट्स भी क्या स्टेप लें, इसके बारे में मैं आखिरी में 5 मिनट जरूर चाहूंगा सबके, ताकि ये वाली तकलीफ जो एमएसएमई को आती है उसको दूर किया जा सके। मीनवाइल मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना शुरू करता हूँ और मैं आपसे शेयर करूंगा कि नए नए सोर्सेस क्या हैं फंडिंग के, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये भी शेयर करूंगा इसके अंदर कि जब फंडिंग के लिए हम जाते हैं तो बैंक्स जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसी कौन सी खामियां देखते हैं जिसके चलते फंडिंग नहीं हो पाती है या कुछ ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब रिपोर्ट बनाए अपनी प्रोजेक्शंस को लेकर, तो वो रिपोर्ट केवल ऐसा ना हो कि आपका बिजनेसमैन ने आपको एस्टिमेट दे दिया, उसके साथ हमें पूरा जस्टिफिकेशन भी साथ लगाना होगा। इसके लिए गाइडेंस है जो सी इंस्टीट्यूट ने इशू की हुई है SAE 3400 के अंदर, तो जो सीए लोग हैं वो उसको नोट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3400। जब आप इसको फॉलो करेंगे और ये रिपोर्ट इस तरीके से बनाकर लेके जाएंगे जैसा कि इंस्टीट्यूट ने गाइड किया है, तो मुझे लगता है कि बैंक का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। बाकी जो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाना है, जब मैं अभी चर्चा करूंगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, तो आपको लगेगा पता कि यस इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। एक सवाल मेरा और पेंडिंग चल रहा है कि ऐसी एमएसएमई यूनिट्स जो स्ट्रेस्ड हैं, जो एनपीए हो चुकी हैं, वो क्या कर सकती हैं अपने को रिवाइव करने के लिए। तो सबने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी। आईबीसी में ऐसा क्या नया प्रावधान आया जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस्तेमाल करके एमएसएमई के यूनिट्स को बेनिफिट दे सकते हैं,
तो गिरीश जी विद योर परमिशन कैन आई शेयर माय स्क्रीन? आप शेयर कर सकते हैं, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा स्क्रीन नजर आ जाए आपको जी। देखिए स्क्रीन नजर आ रही है आपको? आई थी दोबारा चली गई। ओके, तो मैं वो वाली बातें रिपीट नहीं कर रहा हूँ जो बाकी बातें लोगों ने की हैं। मैं आपसे सीधा कुछ सवालों पर आके रुक जाता हूँ। जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है यू, यू का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल एज एमएसएमई एज द केस में भी। आर यू स्ट्रगलिंग टू असेस योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स? कि मेरे बिजनेस को वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी, क्या आप ये शर्तियां कह सकते हैं कि मैंने ठीक से अनुमान कर लिया इस चीज का? ऐसा तो नहीं है कि वर्किंग कैपिटल चाहिए 100 रुपए, अनुमान किया मैंने 60 रुपए, चाहिए थी वर्किंग कैपिटल 100 रुपए, अनुमान कर लिया मैंने 150 रुपए। तो कम होना भी खराब है, ज्यादा होना भी खराब है। क्या आप ये कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपने ठीक से सेस की है? इसमें गलतियां क्या है वो देखेंगे अभी हम। तो मैं वो गलतियां हाईलाइट करूंगा जिसके चलते एमएसएमई को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। डू यू फेस डिफिकल्टीज इन नेगोशिएटिंग विद लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स टू हैव फंड्स? इसमें एक छोटा सा वर्ड देखिए, नेगोशिएटिंग, और उसके बाद दो शब्द और आ रहे हैं, लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। लेंडर्स में तो हम बैंकर्स को शामिल कर लेते हैं, एनबीएफसीज को शामिल कर लेते हैं, इन्वेस्टर्स को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि एक बड़ी अच्छी बात चली अभी कि जो बिजनेस लोन पे चलता है वो बिजनेस कामयाब जनरली नहीं हो पाता, तो अपना पैसा भी लगाना जरूरी है। अपना पैसा कौन लगाएगा? या तो लगाएगा खुद का बिजनेसमैन या कोई और इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर कौन हो सकता है? ये इन्वेस्टर हो सकता है एंजल इन्वेस्टर या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाऊंगा कौन कौन से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो एमएसएमई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को जानकारी है? तीसरे प्रश्न पे आते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट न्यू वेज ऑफ फंडिंग इंक्लूडिंग एसएमई लिस्टिंग एंड ट्रेड्स? अगर आपका कोई क्लाइंट है एमएसएमई है, और मान लीजिए उसका जो पेड अप कैपिटल है, कंपनी है, मान लीजिए कंपनी की बात कर रहा हूं, अगर वो कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख तक है, तो क्या आप उसको सलाह देना पसंद नहीं करेंगे कि वो लिस्टिंग के लिए जाए? लिस्टिंग के अंदर जाने से फंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आती है। तो लिस्टिंग प्रोसीजर्स क्या है उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको 2 मिनट में मोटी मोटी बातें बता दूंगा। लिस्टिंग के लिए आप एमएसएमई कंपनीज जो है उनको प्रेरित कर सकते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं व्हाट इज ट्रेड्स, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम? क्या आपको पता है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एनएससी बीएससी है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऐसे ही रिसीवेबल्स एक्सचेंज भी हैं। अगला प्रश्न आता है, इफ योर क्लाइंट इज एमएसएमई यूनिट एंड इट इज स्ट्रेस्ड, इट इज इनटू एन एनपीए कैटेगरी, वो एनपीए कैटेगरी में जा चुकी है, डू यू नो व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर देयर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन अदर देन आरबीआई नॉर्म्स? उसके बाद सवाल आता है कि जो एमएसएमई यूनिट्स है, डू दे फेस प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज डिफरेंट लॉज हैव डिफरेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स? और यहां पर मैं प्रोप्राइटरशिप भी लूंगा, पार्टनरशिप भी लूंगा, एलएलपीज भी लूंगा, कंपनीज भी लूंगा। एंड लास्टली, जो अतुल अग्रवाल जी ने भी वाली बात पेश की थी, हम में से कितने प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको ये जानकारी है कि एमएसएमई स्कीम्स नेशनल लेवल पर कौन सी है, स्टेट लेवल्स पर कौन सी है? इन चीजों पर हम ब्रीफली चर्चा करेंगे जितना भी समय मुझे दिया गया है, और मेरी ये गुजारिश होगी सभी लोगों से कि जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अपने नोट पैड पे नोट कर लीजिएगा, सो दैट कभी फ्यूचर में रेफरेंस लेना पड़े तो आप इमीडिएट रेफरेंस ले पाए। इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं स्टेट लेवल स्कीम्स के। आप जो सारे जो बुलेट पॉइंट्स से जानकारी है कि ऐसी स्कीम्स हैं नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट यस दीस स्कीम्स आर प्रेवलेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल, रीइंबर्समेंट ऑफ 100% ऑफ नेट एसजीएसटी फॉर एन इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। तो जो एमएसएमई यूनिट है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, तो गिवन स्पेसिफाइड ईयर्स के लिए साल कौन कौन से होंगे ये स्टेट पर डिपेंड करेगा, पूरे का पूरा जो स्टेट लेवल जीएसटी है उसकी रीइंबर्समेंट हो सकती है। एग्जाम्पल इज पंजाब स्टेट, पंजाब में 100% नेट एसजीएसटी की रिइंबर्समेंट हो जाती है। तो मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई स्कीम है कि नहीं, बट यू कैन चेक कि कोई स्टेट इंसेंटिवाइजेशन है जीएसटी को लेकर। मेरा विश्वास है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। देन सेकंड इज स्टेट लेवल क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम।
इंसेंटिव एज टू 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस. आपकी एसएमई को अगर आप लिस्ट कराते हो तो जिसमें खर्चा हुआ उस खर्चे का कुछ प्रतिशत स्टेट रिइंबर्स कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल 10% एग्जेम्पशन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी, असिस्टेंस टू एमएसएमई फॉर शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स एट लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट. ये मार्केटिंग सपोर्ट है. फ्रेट असिस्टेंट टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स. तो आपकी एमएसएमई अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है तो इसको फ्रेट लगती है, उसके ऊपर फ्रेट नहीं लगेगी या कम लगेगी, कंसेशंस हैं. ऐसे ढेरों स्कीम्स हैं जो स्टेट्स में प्रचलित हैं. और बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ प्रोफेशनल, ये जिम्मेदारी बन जाती है हमारी कि वी शुड एक्ट एज अ मेंटर और अ टीचर टू एमएसएमई कि भाई ये वाली स्कीम्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसका बिजनेस नेचर कैसा है, कौन सी स्कीम उसको अवेल करनी चाहिए, ये सलाह मशवरा तो प्रोफेशनल दे सकते हैं. और सलाह मशवरा से काम नहीं चलेगा. मेरा ये अपना मानना है कि काफी सारी स्कीम्स ऐसी होंगी जो बिजनेसमैन को पसंद तो आएंगी लेकिन शायद वो अपना पक्ष स्टेट के सामने रख नहीं पाएगा. तो वो जो पक्ष रखना है वो वाला काम भी सीए कर सकता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो आज एसएमई लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पे अलाउड है. उसकी कुछ शर्तें हैं चैप्टर 10 ऑफ सेबी नॉर्म्स के अंदर. तो आज अगर आप देखें तो ये बीएससी प्लेटफॉर्म है. आप देखिए ऊपर का लोगो बीएससी एसएमई. बीएससी ने एसएमई एक्सचेंज बनाया स्पेसिफिकली एसएमई लिस्टिंग के लिए. आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं bscsme.com. क्यों ना मैं अपने लघु उद्योगों को जो कॉर्पोरेट सेक्टर के रूप में काम करते हैं उनको एडवाइस करूं एसएमई लिस्टिंग के लिए. और ऐसा नहीं है कि हम पहले एडवाइजर्स होंगे. कितनी कंपनीज जो हैं बीएससी पर लिस्टेड है एसएमईज, क्योंकि एक्सचेंज ही एसएमईज के लिए बना. अगर आप देखें तो मैं दिखाता हूं, आप देखिएगा एकदम लेफ्ट में बॉटम पर लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट्स डीआरएचपी. डीआरएचपी होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. जो ये नीचे नाम लिखे हुए हैं फोकस बिजनेस सॉल्यूशंस, आदेश्वर मेटेक्स, मेडिटेक्स एक्सेट्रा, ये सारी आपकी एसएमईज ही हैं. इन एसएमईज ने अपना डीएचआरपी फाइल किया, डीआरएचपी फाइल किया है बीएससी को कि लिस्ट करवाओ. तो हम भी तो ये क्लाइंट्स को एडवाइस दे सकते हैं. जिस तरह से बीएससी एसएमई एक्सचेंज बना ऐसे ही एनएससी एक्सचेंज भी है, उसका नाम है एनएससी इमर्ज. अब यहां पर जब बीएससी की हम बात कर रहे हैं, एनएससी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एसएमई लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर बैंकर्स का रोल बदल जाएगा. नॉर्मली बैंकर्स आपको फंड्स देते हैं बैंक लोन के रूप में. यहां पर जो फंड्स का अरेंजमेंट होगा वो होगा मर्चेंट बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स के रूप में. और जब वो मर्चेंट बैंकर्स या अंडरराइटर्स के रूप में आ रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ बैंकिंग कंपनीज बिकमिंग क्रेडिटर्स दे विल बिकम प्रमोटर्स एंड दैट्स मेक्स अ बिग डिफरेंस. तो वी हैव टू डू प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस. हमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस करना होगा कि बैंकिंग को हम लैंडिंग के रूप में ना देखकर मर्चेंट बैंकिंग के रूप में देखें तो शायद कुछ एडिशनल इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स आए. अगर यहां से हम आगे बढ़े तो सवाल जो सबसे बड़ा था, व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू फॉर एमएसएमईज. सो आई विल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू ऑडेसिटी. थोड़ा डेयरिंग हो सकते हैं. कैसे? By virtue of their awareness, by virtue of their updatedness, by virtue of their diligence, by virtue of their assertiveness. Assertiveness का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर कि जब आप अपने MSME client का पक्ष चाहे बैंक के सामने रखें, चाहे department के सामने रखें, चाहे state के सामने रखें, आप पूरी assertiveness के साथ रख पाएंगे क्योंकि आपको जानकारी है कानूनों की. जो मैंने ये वर्ड लिखा diligence, इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट के लिए मैं कोई रिपोर्ट बना रहा हूं, I should be diligent कि जो इसके अंदर financial figures का सारा लिखा जोखा है उसका कोई basis है, arbitrary तो नहीं है. Comprehensibility, हो सकता है कि banking terminologies जो हैं या कानून की जो terminologies हैं वो MSME unit को समझ में ना आए. जैसे कि मान लीजिए मैंने एक word बोला CCF, credit conversion factor. अब banking companies जो हैं ये words use करती हैं CCF, private equity players use करते हैं CCF. ये CCF chartered accountant समझ लेगा, शायद बिजनेसमैन ना समझ पाए. तो दैट कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ऑल्सो एड्स टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडेसिटी. इंटेग्रेटेड एफर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रिज बनता है एमएसएमई यूनिट्स के बीच में और बाकी रेगुलेटर्स के बीच में, बैंकर्स के बीच में. सो दैट विल बी इंटेग्रेटेड एफर्ट. टैक्टिकल, मतलब क्या टैक्टिकल का? टैक्टिकल का मतलब यहां पर यह हुआ कि
अगर आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा यू कैन सिस्ट टू प्लान बी बट यस विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड देन द ईयर बुक पूरे साल का लेखा जोखा परफॉर्मेंस असेसमेंट कि जो मैंने सलाह दी क्लाइंट को उस क्लाइंट का इससे क्या भला हुआ क्या प्रोग्रेस हुई सो दैट ईयर बुक इज ऑलवेज चार्टर्ड अकाउंटेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं एमएसएमई यूनिट हूं मुझे इतना ज्ञान नहीं है फाइनेंशियल चीजों का गिरीश जी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने फोन किया गिरीश जी को मैंने गिरीश जी से पूछा मैंने गिरीश जी ये बताइए कि लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट क्या था और इस साल मेरा प्रॉफिट क्या है गिरीश जी तुरंत बता देंगे नॉर्मली क्लाइंट्स फोन करके पूछते हैं ये चीजें कि मेरा टर्नओवर क्या था ये बता दीजिए सो यू आर द ईयर बुक एंड यू आर नथिंग बट द परफॉर्मेंस यार्डस्टिक ऑफ अ गिवन क्लाइंट। हैविंग सेड दैट अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज को लाइमलाइट में लेकर आऊं तो दो भागों में बांटूंगा नॉन कंप्लायंस एरियाज कंप्लायंस एरियाज। और इसको डिटेल में लाने के पहले एक चीज मैं साफ कर दूं वो दिन खत्म हो गए हैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या तो ऑडिटर के रूप में देखा जाता था या इनकम टैक्स सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के रूप में देखा जाता था। टुडे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वर्चुअल सीएफओज इन अ वे दे आर द बिजनेस मैनेजर्स। और अगर उस चीज को ध्यान में रखा जाए तो हम सर्विसेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकते हैं वो दो भागों में बढ़ सकती हैं नॉन कंप्लायंस एरियाज एंड कंप्लायंस एरियाज। मैंने सारी लिस्ट तो नहीं बनाई है लेकिन मोटी मोटी लिस्ट बनाई है नॉन कंप्लायंस एरियाज में कौन कौन सी सर्विस आ सकती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जो आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं। क्लाइंट कहता है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए उदाहरण के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लाइंट कहता है कि मुझे 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। आप समझिए और मुझे बताइएगा कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्लाइंट को यह सलाह दूं कि क्या वास्तविकता में आपको 10 करोड़ का लोन चाहिए या इससे कम पर भी काम हो सकता है। Why should I burden my client with the heavy interest cost? अगर मैं उससे क्लाइंट से बातचीत करके एक प्रॉपर प्लानिंग करूं और प्रॉपर प्लानिंग के बाद इस बात पर पहुंच सकूं कि जो आपका अनुमान है कि 10 करोड़ का लोन चाहिए वो 10 करोड़ नहीं केवल 6 करोड़ है तो ना केवल आपने अपने क्लाइंट का फाइनेंशियल बर्डन सेव किया बल्कि आपने क्लाइंट की तरफ एक अपना प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल किया। देन इज कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडवाइस रिगार्डिंग रेजिंग फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग क्या होता है? क्लाइंट को ये बताना है कितना पैसा अपना लगाओ कितना पैसा बैंक का लगाओ कितना पैसा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स का लगाओ। कैपिटल मिक्स बोलते हैं इसे। ऐसा क्यों करेंगे आप? टू कीप द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड द रिस्क एट मिनिमल लेवल। और ये तभी हो सकता है जब मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जो कि वेल ड्राफ्टेड हो वेल प्रिपेयर्ड हो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया जिसके अंदर काफी जगह पर मुझे लगता है डेफिशिएंसीज हैं। फॉर एग्जांपल एक एमएसएमई यूनिट है और वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है। अगर एमएसएमई यूनिट रियल एस्टेट सेक्टर में है ये तो बात हम सब जानते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन अगर मैंने रियल एस्टेट सेक्टर का ऑपरेटिंग रेशियो ही गलत कैलकुलेट कर रखा है ऑपरेटिंग साइकिल ही गलत कैलकुलेट कर रखा है तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल भी डिस्टॉर्टेड होगी। कुछ असेट्स जो करंट बनने चाहिए थे नॉन करंट बन गए होंगे और वाइस वर्सा। कुछ लायबिलिटीज जो करंट बननी थी नॉन करंट बन गई होंगी और वाइस वर्सा। तो वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ विल बी मिसमैनेज्ड एंड हियर कम्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कैन मैनेज दिस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देन प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक्सेट्रा। जो ये बजट की बात मैं कर रहा हूं इट इज नॉट मियरली द एक्सेल एक्सरसाइज कि जमा घटा किया कुछ तैयार हो गया। जो भी अजम्पशंस क्लाइंट ले रहा है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ में ऐसे आएगा इतनी ग्रोथ एनुअल होगी इतनी क्वार्टर होगी उसका मुझे बेसिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है कि मेरा प्लान है कि मैं 3rd मंथ के अंदर अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करूंगा तो उसकी इस बात को आप प्राइमा फेसी फेस पर मान नहीं लेंगे। आप कहेंगे कि अच्छा आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे तो मुझे जरा कन्विंस करिए कि आप एक्सपोर्ट कर ही पाएंगे इसके लिए कुछ रीजनेबल एश्योरेंस है आपके पास। उसने कहा हाँ जी है मेरे पास एक लेटर ऑफ कंफर्ट है जो यूएसए का इंपोर्टर है उसने मुझे मेल डाला हुआ है चिट्ठी डाली हुई है कि मैं आपसे माल खरीदूंगा मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर रखा है। तो कुछ इंडिकेशंस तो हो जिससे पता चले कि ऐसे एक्सपोर्ट करेगा। तो जब मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर लाता हूं आपके पास एज एमएसएमई यूनिट और मैंने उसे प्रोजेक्शन किया एक्सपोर्ट टर्नओवर
तो आप मुझसे कहेंगे अच्छा इसके लिए मुझे कन्विंस कीजिए, और वो जो कन्विंस कर रहा हूं मैं वो कन्विक्शन आपकी रिपोर्ट में साथ में लगकर बैंक के पास जाए, सो दैट जो डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी है दैट स्टैंड्स एनहांस्ड। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कितना माल ऐसा होता है जो चाहिए नहीं होता मंगा लिया जाता है, कभी इन्वेंटरी की शॉर्टेज है कभी इन्वेंटरी सरप्लस में है, स्लो मूविंग आइटम्स पड़ी हुई है और वो रिलाइजेबल नहीं है। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन एडवाइस टू द क्लाइंट अबाउट रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं नथिंग बट इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ताकि आपका जो इन्वेंटरी हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी सेव हो जाए। अगर गोडाउन में आपका माल पड़ा और बिक नहीं रहा और गोडाउन किराए पर है तो यू आर इंकरिंग अननेसेसरी हैंडलिंग कॉस्ट, अननेसेसरी स्टोरेज कॉस्ट, एंड हियर कम्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कैन हेल्प विद नथिंग बट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना माल मिनिमम चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मार्केट रिसर्च एंड डिमांड स्टडीज, अतुल अग्रवाल जी ने जब अपनी बात शुरू करी थी तो बड़ी अच्छी बात बोली, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ पर एमएसएमई यूनिट्स को ये ज्ञान दे सकते हैं कि किस मार्केट के अंदर आपका माल ज्यादा बिक सकता है, किस मार्केट के अंदर माल कम बिक सकता है, एंड सो ऑन। और ये ऐसी सर्विसेज हैं जो सामने देख रहे हैं जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट अलाउ करता है, मना नहीं करता। प्राइस फिक्सेशन एंड अदर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, आप अपने क्लाइंट को सलाह दे सकते हैं कि मेक और बाय, प्राइस कम रखना है ज्यादा रखना है। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ उदाहरण लेके छोड़ रहा हूं। एक बड़ी समस्या है आईटीसी को लेकर जीएसटी में कि आईटीसी ब्लॉक हो गया, आईटीसी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। आपको नहीं लगता अगर आईटीसी ब्लॉक हो जाता है या आईटीसी अवेल नहीं कर पाते, इट इज एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड हियर कम्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट। दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन एडवाइज द बेस्ट मैकेनिज्म फॉर जीएसटी आईटीसी प्लानिंग विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ जीएसटी लॉ, whereby the price can be kept at the maximum level, जहां पर कोई नुकसान ना हो, ब्रेक इवन से भी नीचे ना जाए। जैसे एक एग्जाम्पल लें, इसी के अंदर आगे बढ़े, एक नियम आता है जीएसटी के अंदर कि 180 दिन के अंदर अगर पे नहीं किया तो जीएसटी अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर 180 दिन के अंदर पे नहीं किया और जीएसटी अवेल नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसके लिए कोई जीएसटी प्लानिंग की जा सकती है? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सेलर ने GSTR 1 फाइल नहीं किया जिसकी वजह से GSTR 2A 2B का मिसमैच आता है, क्या इसको लेकर कुछ प्लानिंग करी जा सकती है? आपके दो यूनिट्स हैं, एक मान लीजिए दिल्ली में है, एक मान लीजिए हरियाणा में है, हरियाणा में मैन्युफैक्चर हुआ माल और स्टॉक ट्रांसफर किया गया, स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर भी जीएसटी जाता है। अगर आप स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी दे रहे हैं तो इन अ वे आप बिना बिके हुए माल पे जीएसटी पे कर रहे हैं, तो आपको तो पैसा ब्लॉक हो गया, क्या इसके लिए कुछ प्लानिंग की जा सकती है? एंड सो ऑन, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो इसके लिए कौन प्लान करेगा? नथिंग बट दी बिजनेस मैनेजर। हु इज दैट बिजनेस मैनेजर? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेटिंग अप एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव प्लान्स, वेज इंसेंटिव प्लान्स, तनख्वाह कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है, एंड सो ऑन। अभी नया लेबर कोड आ गया, नए लेबर कोड के आने के बाद अतुल अग्रवाल जी की प्रेजेंटेशन है मेरे पास, बड़ी उमदा प्रेजेंटेशन है लेबर कोड पर, तो अतुल अग्रवाल जी ने सभी को भेजी होगी, अदरवाइज आप अतुल अग्रवाल जी से लीजिएगा, बड़ी उमदा प्रेजेंटेशन है वो। उस प्रेजेंटेशन में जो वेज स्ट्रक्चर है, वो वेज स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करेगा क्लाइंट के लिए? ऐसा तो नहीं है नए लेबर कोड की वजह से आप अननेसेसरी ज्यादा वेज बिल पे कर रहे हैं। पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आप क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, देन शेयर्स वैल्यूएशन वगैरह वगैरह, जब कभी मर्ज करना हो या अमालगमेट करना हो, बिजनेस एक्विजिशन करना हो। तो ये तो बस छोटी सी लिस्ट है, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, और मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा ICAI का पब्लिकेशन है, एक MSME हैंडबुक। उस MSME हैंडबुक में से आप सर्विसेज को जॉट डाउन कर लीजिए कि MSME को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। एंड आई मस्ट से ऑल दीज सर्विसेज विच आर विजिबल ऑन द स्क्रीन विल एड वैल्यू टू द क्लाइंट, एंड आई विल नो से इनडायरेक्टली डायरेक्टली, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज सामने देख रहे हैं इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है बिजनेस के ऊपर। ये तो हो गया नॉन कंप्लायंस एरिया। अगला आता है कंप्लायंस एरियाज। जैसे मैंने कहा, हमें जीएसटी रिटर्न स्टैचरी ऑडिट से आगे देखने की भी आवश्यकता है, तो मैं पहले दो पॉइंट्स को टच नहीं कर रहा, कंप्लायंस और टैक्स लॉस को टच नहीं कर रहा, क्योंकि मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स लॉस में है। व्हाई डोंट वी फोकस अपॉन कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस? जैसा कि सुरेंद्र नाहटा जी ने बोला कि बैंक्स परेशान करते हैं, बैंक्स परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी कम अवेयरनेस है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी शायद कम अवेयरनेस है।
जैसे एक कॉन्सेप्ट चलता है विलफुल डिफॉल्ट का, विलफुल डिफॉल्ट को लेकर बैंकर्स जनरली, मैं नाम नहीं लूंगा किसी बैंक का, तजर्बा है मेरा, बैंकर्स जो होते हैं सार्फेसी प्रोविजन इन्वोक करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से इन्वोक ना करके किसी को भी वो कह रहे थे कि यू आर अ विलफुल डिफॉल्टर सेक्शन 13 कंप्लायंस किए बिना. इन दैट वेरी केस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंसर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट टू सेंड अ वेरी वेरी वेहेमेंट रिप्लाई दैट इट इज नॉट इन कंसोनेंस विद सार्फेसी लॉ सेक्शन 13. हम बैंकर्स को रिप्लाई नहीं देते हैं, उनके पास जाकर नेगोशिएट करते हैं कि नहीं ये गलत था, नॉर्म्स में ये लिखा हुआ था, नॉर्म्स ऐसा कहती हैं, ऐसा कहती हैं. वी शुड गिव अ रिटन रिप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल. वी शुड अप्रोच आरबीआई ओम्बड्समैन एंड इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस आरबीआई ओम्बड्समैन को अप्रोच करने से इन 99% ऑफ द केसेस जो इस तरह ग्रीवियंसेस है सॉल्व हो जाती हैं. एंड यू कैन वाउच माय वर्ड्स इवन व्हेन यू मीट मी पर्सनली. अतुल जी भी इसको शायद मेरे को लगता है वाउच करें या इसको सही बोलें. RBI Ombudsman is one of the best mechanism to address these kind of minor grievances. कई बार ऐसा भी हुआ कि बैंक ने जो आपका अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया ये कहकर केवाईसी नहीं है आपका. उन्होंने केवाईसी दो क्लाइंट्स का नहीं हुआ, उन्होंने सारे के सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया ग्लोबली कि सारे जो कस्टमर से मेरे आएंगे केवाईसी करवाएंगे. यू कैन ऑल्सो चैलेंज दिस थिंग. द वेरी बिग प्रूफ दैट योर केवाईसी ऑलरेडी हैज टेकन प्लेस इज द SMS. Which bank is sending you that please go to the nearest branch for the KYC documentation. And the other thing is Payments Settlements Act. Pura full form bolunga Payments Systems and Settlement Act. You should utilize this kind of law to go to the bank and tell them that what you are doing and are advising is wrong. So, kahin par note karna to kar lijiye Banking Ombudsman. Number second is Your Payment Systems and Settlement Act. These two laws will be very, very helpful for you. Then is, we can plan for revival and rehabilitation of stressed MSMEs, not only by virtue of Reserve Bank of India norms, jo ki hal filhal mein notify hui 2020 mein bhi aur abhi bhi, ek aur naya concept aaya abhi. Pre-pack insolvency resolution process. जितने भी सीए बंधु मुझे सुन रहे हैं और उनके पास कोई क्लाइंट ऐसा है जो स्ट्रेस्ड है बीइंग एमएसएमई, प्लीज रीड दिस न्यू लॉ प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज और काफी सारे एडवांटेजेस इसके आपके क्लाइंट्स को मिल सकते हैं इंक्लूडिंग द न्यू फाइनेंस इंक्लूडिंग द न्यू लाइफ ऑफ डूइंग बिजनेस. अगर मैं एक सेंटेंस से बोलूं जो पुराना हुआ उसको खत्म करते हुए बिजनेस को नई लाइफ देना यही है प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. काफी सारी लीवरेजेस इसके अंदर आई हैं. तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं कंप्लायंस एरियाज में बियॉन्ड टैक्सेशन जाइए बियॉन्ड रिटर्न्स जाइए यू विल फाइंड दीज थिंग्स आल्सो हेल्पफुल टू द क्लाइंट. क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक्स के साथ बात करके जैसे मान लीजिए कोई बैंक है उसके यहां पर जाकर अपने क्लाइंट के लिए FDI अरेंजमेंट कर सकता है ECB अरेंजमेंट कर सकता है? आंसर इज यस. FDI or maybe external commercial borrowings, these can be some of the cheapest sources of finance. I will not say the only cheapest available sources, but yes, one of the cheapest sources. अच्छा मुझे बात बताइए जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, एक MSME unit है ABC Private Limited. मैं private company की बात कर रहा हूँ, public company की बात नहीं कर रहा. क्या एक private company private रहते हुए अपनी listing करा सकती है? हाँ जी, क्या एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट रहते हो अपनी लिस्टिंग करा सकती है? आंसर इज यस. और इसके लिए आपको टैप करना पड़ेगा नियर बाय मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को. एक बड़ी अच्छी बात बोली थी जनक जी ने, वासुदेव कुटुंबकम. तो जब इतना सब कुछ है हमारे पास, व्हाई नॉट वी कैन टैप मार्केट्स इन सिंगापुर, वी कैन गेट आवरसेल्फ लिस्टेड ओवर देयर. और इसके लिए बकायदा पब्लिकेशन है सी इंस्टीट्यूट के, यू कैन रेफर देम. So I will recommend to the chartered accountants to explore the area of SME listing, explore the area of FDI and SMEs and so on. Companies Act में changes भी आए इसको लेकर. अगर आप Companies Act देखोगे तो section 23 में change आया, section 2 clause number 53 में change आया. इसीलिए तो आया कि private companies की listing हो सकती है. And this kind of awareness will be helpful. मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा. एक client को हमने advice किया,
क्लाइंट एक शिकायत लेकर आया, ग्रीवेंस लेकर आया कि कमल जी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है अभी बिकॉज ऑफ कोविड एनवायरमेंट, और तनख्वाह जो है वो हम भी देना नहीं चाहते, तो क्या करें? आप बताएं क्या करें, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहें उनको? क्या ये कहें कि जाओ बैंक से लोन लो, पैसे का अरेंजमेंट करो, तनख्वाह दे दो? हमने उनसे पूछा कि आप तनख्वाह देना नहीं चाहते, ठीक है फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ये कुछ 2-3-4 सालों में आप इससे रिकवर कर जाएंगे? उन्होंने कहा ये श्योरिटी है कि हम रिकवर कर जाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि अगर आप रिकवर कर जाएंगे आप हमें कन्विंस कीजिए कि आपका बिजनेस प्लान क्या है कि कैसे रिकवर कर जाएंगे। उन्होंने अपना बिजनेस प्लान हमें ब्रीफ किया। ब्रीफ करने के बाद उनका ये कहना था कि हम इस साल 50% अपना वेज बिल कम करना चाहते हैं, तनख्वाह हम 2 साल के बाद देंगे। हमने उन्हें एडवाइस क्या दिया कि ये काम करते हैं, आप 50% वेज को रिड्यूस कर दो और इक्विवेलेंट वैल्यू के आप ईसॉप इशू कर दो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो क्या हुआ, एम्प्लॉयज को यह मिला कि तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, उनको शेयर्स मिल गए कंपनी में, और साथ में क्या मिल गया उन्हें कि मैं भी कंपनी का साझेदार हूं, मालिक हूं। और यहां पर बीइंग अ सीए हमारी जिम्मेदारी क्या हो गई, ईसॉप प्लान की स्कीम बनाना और एम्प्लॉयज को भी कन्विंस करना, नेगोशिएट करना एम्प्लॉयज के साथ कि अगर आप ईसॉप लेंगे तो 2 साल के बाद जब आप ईसॉप एक्सरसाइज करोगे तो आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट क्या होगा। अगर 50% तनख्वाह इस साल वो कम ले रहे हैं तो कुछ तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट दिखाना पड़ेगा उन्हें। अब उसमें एम्प्लॉयज का प्रश्न आता है कि मेरी तो ईएमआई चल रही है, तनख्वाह कम मिलेगी तो मैं ईएमआई को कैसे करूंगा, एंड सो ऑन। तो वो सारा लेखा जोखा बनाना ईसॉप स्कीम कहलाता है कि एम्प्लॉयज को भी नुकसान ना हो, एम्प्लॉयर को भी नुकसान ना हो। और मुझे लगता है जितना मेरा तजुर्बा है, हालांकि आप सबसे कम है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि पिछले 22 साल के तजुर्बे में इतना मैंने जरूर सीखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकता कोई। और ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करके देते हो, क्लाइंट भी खुश, क्लाइंट के एम्प्लॉयज भी खुश, और क्लाइंट का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको भी कम करने में आपने इसको सहयोग दिया। एंड दैट इज व्हाट इज नथिंग बट नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बीइंग द रिस्पोंडर्स। ध्यान दीजिएगा, जो थीम रखी सीए इंस्टीट्यूट ने, एडवाइजर नहीं रखी, रिस्पोंडर रखी। एडवाइस तो हम करते ही है, नाउ द टाइम हैज कम टू रिस्पोंड एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ एमएसएमई। एंड मैंने ऐसे स्टेक होल्डर, आई एम नॉट सेइंग बाय मनी, आई एम सेइंग बाय मॉरल्स। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग चैलेंजेस की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज काफी बातें जब सेशन शुरू हुआ तो हो चुकी थी। डिफरेंट लॉज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे कंपनी एक्ट की हम बात कर लें, चाहे इनकम टैक्स की बात कर लें, जीएसटी की बात कर लें, एलएलपी की बात कर लें, हर जगह पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं विच चार्टर्ड अकाउंटेंट समहाउ आर ऑलवेज कंप्लाइंग विद। बट क्वेश्चन अराइजेस व्हेन वी से कंप्लाइंग विद, आर वी मियरली कंप्लाइंग एज पर लॉ और आर वी ऑल्सो कंप्लाइंग एज पर कमर्शियल सब्सटेंस? दोनों में बड़ा फर्क है। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ली, ये तो लॉ की कंप्लायंस हो गई, लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस मेंटेन किया नहीं किया, ये कौन देखेगा? अब मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जो शायद थोड़ी सी हो सकता है कि आपको अटपटी लगे, कड़वी लगे, लेकिन सेशन का नियम है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बात तो वो करूंगा। मैं पहले एडवांस में एक्सक्यूज नहीं कह देता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें करूंगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं जरा टाइपिंग मोड पे आ रहा हूं। अब देखिए, पहली एंट्री, बुक एंट्रीज, फिक्टिशियस एंट्रीज, अकोमोडेशन एंट्रीज। आपका क्लाइंट एमएसएमई है, वो जाता है फंडिंग के लिए, चाहे वो जाए बैंक के पास, चाहे जाए लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जाए वो किसी और पर्पज में प्राइवेट इक्विटी के लिए, तो बुक एंट्रीज की बात तो वो करेंगे। अब मान लीजिए हुआ क्या, आपकी जो बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में आपने दिखा रखा था, आपने मीन आपके क्लाइंट ने दिखा रखा था लोन फ्रॉम डायरेक्टर। ये बड़ा कॉमन है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर। अब डायरेक्टर से लोन लिया हुआ है, जब आपने ये वाली बात दिखा रखी है, आप बैंकर हो, मैंने कहा कि मुझे लोन चाहिए आपसे, आपने कहा आपको लोन तो देते हैं लेकिन डायरेक्टर की गारंटी चाहिए होगी, आपने कहा डायरेक्टर की गारंटी मिल जाएगी। बैंक कहेगा मुझे डायरेक्टरी गारंटी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोन चल रहा है उसके, उसका तो आपके पास, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो आपके सामने ऑलरेडी नजर आ रहा है। अकोमोडेशन एंट्रीज हो सकती हैं, मैं अकोमोडेशन एंट्रीज की डिटेल में ना जाते हुए
बैंकर्स की नजर से देखता हूं, गिरीश जी की कंपनी से मैंने एक अकोमोडेशन एंट्री ले ली। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है अतुल जी, कहीं आप सीरियसली मत ले लेना इस चीज को। यहाँ भाई कमल की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करो और गिरीश जी की भी, ये क्या एंट्री हो रही है यहाँ पर। तो एक अकोमोडेशन एंट्री आ गई। अब देखिए नुकसान क्या हो रहा है अकोमोडेशन एंट्री का। मैंने गिरीश जी से मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की अकोमोडेशन एंट्री ले रखी है। बैंकर को देखिए कैसे किसने सर देखेगा, बैंकर कहेगा कि जो ये एंट्री यहां पर आ रही है इट इज हैविंग अ रिस्क। अगर मैंने और लोन दिया कमल को, कल को गिरीश जी ने इस अकोमोडेशन एंट्री जो 5 करोड़ रुपए की एंट्री है, इस एंट्री के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में केस कर दिया, तो अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 5 करोड़ की रिकवरी के लिए केस कर दिया तो जो बैंक लोन और देगा वो भी कहीं ना कहीं जाएगा ठंडे बस्ते में। पूरा लोन रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हेयर कट होगा तो नुकसान तो बैंक का होगा ना। तो इस तरह की जो एंट्रीज हैं लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स की या अकोमोडेशन एंट्रीज वाली जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें देखता है बैंक, वो कुछ कहेगा नहीं आपको, लेकिन आपको वो नेगेटिव मार्क्स देगा इस चीज के। आप बैंक से नेगोशिएट भी करेंगे ना कि नहीं ये तो सब ठीक है, पूरे कागज पत्तर हैं, देखिए कंपनी का रेजोल्यूशन भी है, सब कुछ लीगल हो रहा है। लीगल होना इज नॉट अ गारंटी दैट देयर इज नो रिस्क। आपने कहा कि मैंने तो सारे कानूनों को फॉलो किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही दो चीजें देखता है वो, तो उसके लिए रिस्क है एंड लॉ डज नॉट प्रिवेंट रिस्क एट ऑल। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप बैंक के पास जाएं तो इस तरह की एंट्रीज के बारे में जरूर सोचें, विचार करें। टैक्सेशन डिसिप्लिन, आपका एडवांस टैक्स समय पर जमा हुआ है कि नहीं हुआ, टीडीएस आप सही समय से जमा कराते हैं नहीं कराते, आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बोलती है क्लोज 34 में टीडीएस डिफॉल्ट्स हैं, इट इज आल्सो काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग, लोन नहीं मिलेगा शायद या कम मिलेगा। जीएसटी का कोई संबंध आया हुआ है नेगेटिव मार्किंग, ये सारा ड्यू डिलिजेंस बैंक करता है। आप मुझे बताइएगा, जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, अगर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट चला आ रहा है तो बैंक इस वाले आइटम को पॉजिटिवली देखेगा कि नेगेटिवली देखेगा? नेगेटिवली, अनलेस एंड अंटिल दीज आर एक्चुअली अलॉटेड एंड कैश इज रिसीव्ड, इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। और कुछ बैलेंस शीट तो ऐसी भी देखी है जहां पर पेंडिंग अलॉटमेंट चलता आ रहा था 60 दिनों से ज्यादा, जो कि बन गया डिपॉजिट, तो वहां तो कॉन्ट्रावेंशन भी है। आरपीटी की बात मैंने पहले पॉइंट के साथ ही कर ली थी, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स को लेकर, तो उसको मैं टच नहीं कर रहा हूं। इसमें एक चीज करते हैं, बात कर सकते हैं एक और, आपकी एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एमएसएमई है और आपकी कंपनी के डायरेक्टर का एक पार्टनरशिप फर्म भी है, वो भी एमएसएमई है। अभी क्या हो रहा है, आपकी कंपनी उस डायरेक्टर की पार्टनरशिप फर्म से माल खरीद रही है या माल बेच रही है, एज द केस में भी आपको नहीं लगता इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल सेल परचेस? और ये इंटरनल सेल परचेस जो है, इसको हम बोलते हैं आरपीटी, बैंक इसको भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। और इस चीज को लेकर तो बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है यूएस के अंदर, एनरॉन स्कैम बोलते हैं उसे। तो आरपीटी जिस एंटिटी में ज्यादा से ज्यादा होंगी वहां पर बैंकिंग फंडिंग इन सब की चीजें जो है नेगेटिव ग्रेड में चली जाती है। फिक्स्ड असेट्स आपकी किताबों में आ रहे हैं, फिक्स्ड असेट्स क्या इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन करते हैं हम लोग एज क्लाइंट्स? आंसर मे बी नो। दो तीन गलतियां बताता हूं आपको क्या गलतियां रह जाती हैं। पहली गलती, डेप्रिसिएशन जो आता है एज पर इनकम टैक्स रेट लेते हैं हम, इट्स अ बिग नो नो नो। ये बात कर रहा हूं मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, डेप्रिसिएशन मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। तो अगर आपकी एमएसएमई यूनिट जो है प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी भी हो, तो यूजफुल लाइफ पे डेप्रिसिएशन पड़ेगा। जनरली मैंने देखा है कि प्रोप्राइटरशिप होता है या पार्टनरशिप एंटिटी होता है उसमें डेप्रिसिएशन लेते हैं एज पर इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स के रेट ज्यादा है जिसकी वजह से जो एसेट की WDV कम हो जाती है, बैलेंस शीट के अंदर सब्सटेंस ही खत्म हो गया। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स की, लैंड की बात करते हैं, लैंड चल रही होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एक लंबे अरसे से, व्हाई नॉट वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एडवाइस ऑन रीवैल्यूएशन
एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. इन्वेंट्रीज की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि इन्वेंट्रीज कम रखनी है ज्यादा रखनी है इसके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं है. तो वी शुड डिवाइस अ मैकेनिज्म फॉर ईओक्यू, इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात मैं कर चुका हूँ जब हमने बात की थी ईसोप स्कीम की, कि लेबर इंसेंटिव स्कीम्स कैसे बनाने हैं एंड सो ऑन. रेगुलेटेड डिसिप्लिन की बात भी मैं कर चुका हूँ कि हम कुछ लॉस ही कॉन्ट्रामेशन करते हैं, जैसे कि जीएसटी लॉ हो सकता है, कोई सम्मन आया एंड सो ऑन. इसकी बात मैंने शुरू में करी थी जब मैंने दिलीप जी से सवाल पूछा था. प्रोजेक्शंस, प्लीज एंश्योर दैट देयर इज नो आर्बिट्रेरी अजम्पशन. सीए इंस्टीट्यूट का बकायदा स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर दस्तखत करेंगे जितनी भी अजम्पशंस हैं वो डिस्क्लोज करेंगे, और आप ये चेक भी करेंगे कि जो भी अजम्पशंस ली गई हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं है. देयर मस्ट बी सम रैशनैलिटी इन दोज अजम्पशंस. इसके चलते यू शुड गिव योर रिपोर्ट. और जो भी मुझे सुन रहे हैं, खासतौर पे जो एसोसिएशन से हैं, सुरेंद्र जी हैं, जनक जी हैं, मेरा ये सुझाव है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह लें तो इंसिस्ट करें कि दे शुड कंप्लाई विद एसएई 3400. और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे भी मेरी विनम्र विनती है कि जब आप रिपोर्ट दें तो एसएई 3400 के हिसाब से रिपोर्ट दें. वो रिपोर्ट काफी बेहतर रिपोर्ट बनती है, उसका फॉर्मेट, उसको बनाने का तरीका सब स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, और वो आपकी जो मेहनत होगी वो मेहनत नजर आएगी रिपोर्ट बनाने में. इसके बाद अगर हम आगे चले और बातें करें, देखिए ये तजुर्बा एक आप देखें, अगर सेकंड ब्लॉक में इंपॉर्टेंट बात को कैप्चर कर रहा हूं, जो बैंकिंग कंपनी से मेरा एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तजुर्बा रहा, तो सवाल उठता है बैंक लोन क्यों नहीं देना चाहते एटसेट्रा एटसेट्रा. तो सिंगल स्टेटमेंट है एक, अनलेस देयर इज फेयरली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, आई रिपीट द वर्ड डिटेल्ड, अनलेस देयर इज फेयरली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन स्मॉल फर्म्स, बैंक्स वुड हेजिटेट टू टेक रिस्क. आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे बताइएगा, एकदम ब्लंट होकर बताइएगा, चाहे तो प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरिंग एमएसएमई, क्या आप ये कह सकते हैं टू अकाउंट्स कंप्लीट है, क्या सारे नोट्स अकाउंट्स हैं उसके अंदर? प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनेंशियल्स में तो जनरली नोट्स अकाउंट्स होते तक नहीं है. एक्सप्लेनेटरी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स एंड बीइंग एब्सेंट, बैंकर्स विल बी हेजिटेंट टू टेक द रिस्क बिकॉज दे समहाउ दे आर अंडर द स्केप्टिसिज्म कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लैकिंग ट्रांसपेरेंसी. एक डाउट क्रिएट हो जाता है. इसी बात को मैं अगर आगे एम्फेसाइज करूं तो फाइनेंस कई बार अपेरेंट होती है. उदाहरण के लिए डिले इन रीपेमेंट ऑफ लोन ओवर वन ईयर, तो बैंकर कहता है ना कि लोन की हिस्ट्री दिखाओ, और हिस्ट्री से लगता है पता कि डिले इन रीपेमेंट है. नेटवर्थ आपका 50% से कम हो गया है, आउटपुट आपका कम होता जा रहा है पिछले 3 सालों का फॉर एग्जाम्पल. अब यहां पर रोल आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का. आरबीआई के नॉर्म्स जो है ना बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट नहीं है इस चीज को लेकर. आपको गाइड करना है नेगोशिएशन के वक्त पर कि व्हाट इज नेटवर्थ. हो सकता है कि बैंक का नेटवर्थ निकालने का तरीका कुछ और हो, आपका नेटवर्थ निकालने का तरीका कुछ और हो, और डिपेंडिंग अपॉन डैट ये डिसाइड करना कि डिक्लाइन हुआ है नेटवर्थ में या नहीं, ये कौन तय करेगा. इट विल बी नथिंग बट अ विन विन सिचुएशन थ्रू द नेगोशिएशन बिटवीन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द एमएसएमई यूनिट्स अलॉन्ग विद द बैंकर्स. डिक्लाइन इन आउटपुट इन लास्ट 3 ईयर्स, प्रोडक्शन का ना होना क्या डिक्लाइन इन आउटपुट है? जरूरी तो नहीं है कि प्रोडक्शन का ना होना ही डिक्लाइन इन आउटपुट है. होने की बजाय खरीद कर आगे बेचना शुरू कर दिया हो. आई मे बी एन एंटिटी विच इज सैमी इनटू मैन्युफैक्चरिंग, सैमी इनटू ट्रेडिंग, और आई मे बी एन एंटिटी विच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड आई एम बाइंग सर्टेन गुड्स एंड डूइंग सम रिफर्बिशमेंट. हो सकता है बैंक कहे कि जो माल आप बाहर से खरीद के लाते हो और उसको पैकिंग करते हो उसको मैं आउटपुट नहीं मानता. तो यहां पर कौन कन्विंस करेगा? आपको कानून बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटपुट, एंड दैट आउटपुट कैन बी डिफाइंड बाय वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. एनीथिंग व्हिच इज मार्केटेबल डिस्पाइट पैकिंग इज वन ऑफ द आउटपुट.
और ये सब चीजें जो है मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर सकते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द नर्व्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अगर इसी बात को मैं और एक्सप्लोर करूं, सिकनेस की बात करूं, तो बैंकर्स देखिए क्या क्या चीजें देखते हैं जो कि हमारी रिपोर्ट में नहीं होती। अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फंडिंग अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं टीईवी स्टडी, टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी, वो रिपोर्ट बनाऊं और इन सारी चीजों को कैप्चर कर लूं, तो आधी समस्या मेरे में खत्म हो जाती है। बैंकर्स जो होते हैं इन जनरल, इन चीजों को देखकर, जो आपके सामने चार्ट आ रहा है, इन चीजों को देखकर थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ हेल्दी मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स एंड राइजिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, बिक्री नहीं हो रही है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है। तो अगर स्टॉक बढ़ता जाएगा और बिक्री नहीं होगी, इसका मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल आपकी वेस्ट हो रही है। फ्रीक्वेंट रिटर्न ऑफ चेक्स इशूड बाय पार्टी और इनेबिलिटी ऑफ पार्टी टू प्रॉम्प्टली ऑनर द बिल्स ड्रॉन ऑन देम, तो चेक डिसऑनर हो गया। अब क्या हुआ, अभी गिरीश जी का चेक था डिसऑनर हो गया, मुझसे पूछा गया चेक डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे आप? हम जी गिरीश जी से बात कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये वेट करना रीजनेबल टाइम तो ठीक है, लेकिन आप कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, तो बैंक्स विल बी हेजिटेंट कि जो व्यक्ति अपना पैसा रिकवर करने के बारे में नहीं सोच रहा ठीक से लीगली, वो मेरा पैसा टाइम से देगा, इस बात की क्या गारंटी है, क्या एश्योरेंस है? तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं है कि वो एडवाइस करे कि पैसा रिकवर कैसे करना है? और जब चेक्स डिसऑनर की बात, रिकवरी की बात होती है, तो हमारे दिमाग में केवल एक चीज आती है, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। उसके अलावा हम आगे पहुंचते नहीं। यू कैन इनवोक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आल्सो हियर। नॉन सबमिशन, डिलेड सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो बड़ा कॉमन सा है। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड टू बोरोवर अकाउंट एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट्स, फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर ग्रांटिंग और मोर एंड मोर लिमिट्स, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पुअर करंट रेशियो। मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरी कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कम करूंगा, माल बाहर से खरीदूंगा, उसकी पैकिंग करूंगा और पैकिंग करके आगे माल भेजूंगा, ये है तो मैन्युफैक्चरिंग ही, लेकिन क्या ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर काउंट किया जाएगा? कैन आई से दिस इज द काइंड ऑफ लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? अब देखिए यहां पर इशू क्या आता है। अगर मैं बात करूं प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, वहां पर इतना बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एक ही कागज पे आप बता देंगे व्हाट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक्सेट्रा। कंपनीज की बात करूं, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन आती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की। नाउ वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन से मिसमैच हो जाती है एंड इट विल लीड टू काइंड ऑफ अ नेगेटिव एलिमेंट। पुअर करंट रेशियो, कितनी बैलेंस शीट्स ऐसी हैं जो मैंने एफआरआरबी में भी देखी जब वहां पर काम किया, कोई आइटम बननी चाहिए थी करंट असेट, बन गई नॉन करंट असेट। कोई आइटम बननी चाहिए थी करंट लायबिलिटी, बन गई नॉन करंट लायबिलिटी। तो हो क्या रहा है इससे? The working capital ratios are getting distorted. तो ये नियम बना लीजिए कि जो रेशियोज के ऊपर आपका सारा खेल है वो आपके कंट्रोल में हो। ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस वी मस्ट बी इन मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज एज वेल। मैं अगले सवाल पे आता हूं। मुझे बताइएगा कितने लोग जानते हैं आप में से व्हाट इज ट्रेड्स? इसका जवाब अतुल जी नहीं देंगे क्योंकि इस बारे में हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पार्टी रिलेटेड मैं यहां पर अतुल जी से कोई जवाब नहीं लूंगा। बाकी कोई जवाब देना चाहे तो बताएं। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एमएसएमई यूनिट्स के कंसल्टेंट्स हैं वो बताएं। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो मैं ये प्रेजम्पशन लेता हूं कि ये मैं बताना शुरू कर देता हूं। कर दो सर जी। इसका जरा ना आप एक बार बैकग्राउंड समझिए पहले। दिलीप जी आ गए हैं, दिलीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे बिना गूगल पर सर्च किए? नो सर, प्लीज गो अहेड सर। क्या गूगल पर सर्च करना नहीं चाहते या बताना नहीं चाहते? नहीं सर, एक छोटी सी मेरी जानकारी है, ज्यादा नहीं, बहुत है इसमें। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग गुड्स सेल करते हैं और जो कस्टमर से पैसा रियलाइज होना होता है, हाँ, तो जनरली या तो फॉरेन क्लाइंट से या बड़ा क्लाइंट से हम लोग जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेते हैं उसके लिए, काफी नजदीक हैं आप, हाँ, उसी को बैंक में जाकर डिस्काउंटिंग करा लेते हैं या किसी भी एक एनबीएफसी। जवाब सही है ना, तो आप कहेंगे नहीं हो सकती है। थैंक यू सर, आप आगे बढ़े। देखिए ये है ना एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है जी जी, लेकिन
बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो ये मैकेनिज्म नया आया इसको बहुत ही कम लोगों ने इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से अवेयरनेस के चलते ही, या यूं कहूंगी अनअवेयरनेस के चलते। तो जरा इसका बैकग्राउंड समझिए, और मेरा ये मशवरा है सभी को जो सुन रहे हैं मुझे कि ये वाला मैकेनिज्म क्लाइंट छोटा हो या बड़ा उसके लिए इन्फ्यूज कीजिए, क्योंकि इसके चलते आप क्लाइंट को वैल्यूएशन दे रहे हो। तो पहले एक बार बैकग्राउंड समझिए, बैकग्राउंड क्या है। So this concept was, you know, originated in year 2008. So this concept for setting up of electronic bill factoring exchange, इसको हम बोलते हैं factoring exchange, it was recommended by Financial Sector Reforms Committee in 2008. तो एक आप रिपोर्ट देखें, गूगल में मिल जाएगी आपको, एक रिपोर्ट है FSR कमेटी की, 100 small steps, बड़ी अच्छी बेहतरीन रिपोर्ट है, और काफी मतलब ज्ञान वाली बातें की हैं इसमें। उसमें से एक ज्ञान वाली बात आपके सामने है, setting up of electronic bill factoring system. इसके चलते क्या हुआ, जो एक रिकमेंडेशन आई, सिडबी सामने आया, और सिडबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक कॉन्ग्लोमरेशन किया और इनिशिएटिव लिया अबाउट ई डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म। और ई डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया, वो किया गया एमएसएमई रिसीवेबल्स के लिए, और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया एंट्रीज। एन का मतलब हो गया एनएससी, और बाकी हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स इंजन फॉर ई डिस्काउंटिंग, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिडबी। फिर क्या हुआ, प्रोग्रेस धीरे धीरे हुई, सिस्टम धीरे धीरे इवोल्व हुए। दिसंबर 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू करी अबाउट ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसको हम ट्रेड्स बोलते हैं। और इन गाइडलाइंस के चलते दिसंबर 2, 2015 को क्या हुआ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल वॉज गिवन टू सिडबी and NSICL for setting up of TREDS under the new law which was enacted in 2007 known as Payments and Settlement Systems Act, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, अगर बैंक परेशान करता है तो उसके पास हम जा सकते हैं इस कानून के तहत। अब इसका मैकेनिज्म क्या बना, आप सेकेंड पॉइंट को देखिएगा, पहला पॉइंट इतना रिलेवेंट नहीं है। जो ये सिस्टम है, ट्रेड सिस्टम है, इसमें तीन पार्टिसिपेंट्स का होना जरूरी है। एक तो एमएसएमई सप्लायर, सप्लायर को ही पैसा रिकवर करना है, दूसरा कॉर्पोरेट बायर, और तीसरा फाइनेंसर। इसके स्टेप्स कैसे चलते हैं, द इनवॉइस यानी कि जो एमएसएमई सप्लायर है वो इनवॉइस बनाएगा, दैट इनवॉइस इज अपलोडेड, बट दिस इनवॉइस कैन बी अपलोडेड ईदर बाय द बायर और सप्लायर। इनवॉइस बना कौन रहा है, सप्लायर, लेकिन अपलोड जो करा जा सकता है वो कोई भी कर सकता है, बायर अपलोड कर दे या सप्लायर अपलोड कर दे। जब ये इनवॉइस अप्रूव हो जाएगा, कौन अप्रूव करेगा इसे, फाइनेंसर। फाइनेंसर कौन है, पैसा प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो इनवॉइस आपने अपलोड किया, इसकी बिडिंग शुरू होगी। इस 100 रुपए का इनवॉइस है, मैं कहूंगा कि मैं 100 के बदले आपको 99 रुपए दूंगा, कोई कहेगा मैं 98 रुपए दूंगा, तो जो पैसा मुझे 2 महीने के बाद मिलता है वो मुझे पहले मिल रहा है, तो मैं डिस्काउंट करवा दूंगा कि यार मुझे 2 महीने के बाद 100 रुपए मिलते हैं, आज मिल रहा है तो मैं 99 रुपए भी ले लेता हूँ। और जो सारा सेटलमेंट प्रोसेस ये होता है, ये T+1 डे पे होता है। टी का मतलब क्या होगा, डे ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एक मोटा मोटा इसका लेखा जोखा है, अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट से और क्लैरिटी आएगी कि फ्लो कैसे चलता है इस प्रोसेस का। इसकी बात मैं एक बार कर चुका हूं, दोबारा देख लेते हैं कि तीन पार्टीज होनी चाहिए ना, एमएसएमई सप्लायर्स होने चाहिए, बायर्स होने चाहिए, फाइनेंसर्स होने चाहिए। तो एमएसएमई सप्लायर्स कौन है, दोज हु आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू बायर्स, एमएसएमई होने के नाते। बायर कौन कौन हो सकता है, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, PSUs हो सकते हैं, अदर्स हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हो गई। फाइनेंसर कौन होंगे, तो बैंक होगा या NBFC होगी। इसके चलते अभी तक इंडिया में जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी हैं लेकिन ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है मिंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेड्स का, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन मिंट ऑनलाइन नेशनल एक्सचेंज। एक आता है RXL रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक आता है ट्रेड्स लिमिटेड, इसको जनरली लोग इनवॉइस मार्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं, देखिए ये बड़ा छोटा सा चार्ट है, इस चार्ट से मोटी मोटी चीजें जो है ना कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वेंडर टू बायर, पहला स्टेप। सेलर या बायर विल अपलोड द इनवॉइस, मैंने पहले बताया आपको कि इनवॉइस दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकता है। फिर काउंटर पार्टी, बायर सेलर जो भी होगा, एक्सेप्ट इनवॉइस ऑनलाइन। एक्सेप्ट का मतलब क्या, इनवॉइस जो है जो अपलोड होना था वही अपलोड हुआ है, जिस इंफॉर्मेशन से अपलोड होना था वही इंफॉर्मेशन अपलोड हुई है। फिर आया इन ऑक्शन फाइनेंसर बिड, जो भी बैंक या NBFC थे वो इस प्लेटफॉर्म पर हैं और वो बिडिंग शुरू करते हैं कि जो ये इनवॉइस है
इसके बदले में कितना पैसा देने को तैयार हूं आज ही टी प्लस वन पे। कॉस्ट बियर कौन होगा? सेलर है बायर जो बिड कर सेट कर रहा है। तो या तो बींग अ सेलर मैं सेट कर लूं कि मुझे पैसा दे दो, या बायर सेट कर ले कि मुझे पैसा दे दो मैं इमीडिएटली सेलर को ट्रांसफर कर दूंगा एज अ केस में भी। तो जो भी व्यक्ति सेट कर रहा है बिडिंग वही कॉस्ट बियर करेगा, यानी कि 100 रुपए के बदले 99 रुपए, 1 रुपए ही कॉस्ट बियर कर लेगा। जब ये सब तय हो जाएगा तो जो भी एक्सचेंज है जैसे कि आरएक्सएल है, इट विल जनरेट ऑब्लिगेशन। मतलब क्या है इसका जनरेट ऑब्लिगेशन? ये तय कर देगा किसको कितना पैसा मिलना है, किसको कितना पैसा देना है एंड सो ऑन। उसके बाद क्या आया? लेग वन टी प्लस वन पे हो जाएगा। फाइनेंसर विल पे टू द वेंडर, यानी कि जो बैंक है जिसने बिड किया होगा, जिसकी बिड एक्सेप्ट हो गई है वो पे कर देगा। लेग टू क्या होगा? जिस दिन ड्यू डेट आएगी बिल की उस दिन बायर पे कर देगा फाइनेंसर को। एंड लेग थ्री क्या आएगी? बायर विल पे टू द वेंडर। तो इसमें क्या है, सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। जो एक रुपये की कॉस्ट आई वो कॉस्ट इनकम हो जाएगी बैंकिंग कंपनी की या फाइनेंसर की जो एनबीएफसी है, उनको भी मुनाफा हो गया। बायर को फायदा क्या हो गया कि उसने सेलर को सेटिस्फाई कर दिया इमीडिएटली, वो दो महीने के बाद पे कर देगा फाइनेंसर को। सेलर को फायदा क्या हो गया कि उसको पैसा इमीडिएटली मिल गया। तो देखा जाए तो पैसा रोटेट हो गया एंड लीगल तरीके से रोटेट हो गया। और इसमें कोई भी डिफॉल्ट करेगा तो डिफॉल्ट करने पर जो प्रोविजंस लिखे हैं पेमेंट एंड पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट एक्ट के अंदर या इंसॉल्वेंसी लॉ में या किसी और कानून में वो लागू हो जाएंगे। तो एक तरह देखा जाए कानून के दायरे में सभी लोग बंद भी गए और सभी लोगों का काम भी हो गया। और ये चीजें जो है मैं रिकमेंड करूंगा, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा इसकी जो गाइडलाइंस वगैरह है एंड रिकमेंड टू द क्लाइंट्स। और ये आया एमएसएमईज के लिए तो इट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी यू नो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। मुझे बताइएगा ये एक तो कॉन्सेप्ट ये है, मुझे बताइएगा डू यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग? वैसे तो विजिबली हो गया आपको स्क्रीन पे। आप ये जानते हैं कि एनबीएफसी तो है इंडस्ट्री के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या इनवॉइस है, वो खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद 80-90% पैसा आपको मिल जाता है। अगर आप देखेंगे ना सेकंड ब्लॉक, इन दिस मैकेनिज्म व्हेन अ क्लाइंट मेक्स अ सेल डिलीवर्स द प्रोडक्ट और सर्विस एंड जनरेट्स एन इनवॉइस, द फैक्टर, ये फैक्टर कौन है यहाँ पर? एनबीएफसी। द फैक्टर बायज द राइट टू कलेक्ट ऑन दैट इनवॉइस एंड रिलीजेस फंड्स, यूजुअली 80-90% ऑफ इनवॉइस सेल टू द क्लाइंट। इसका एक उदाहरण देखिएगा समझ में आएगा आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, द टर्नओवर ऑफ जेनिथ लिमिटेड, मैं अजम्पशन ले रहा हूं जो जेनिथ लिमिटेड है एमएसएमई है, द टर्नओवर ऑफ जेनिथ लिमिटेड इज 100 लाख रुपीज ऑफ विच 72% इज ऑन क्रेडिट, यानी कि 72 लाख रुपया इसका उधार पर अटका हुआ है और इसी को तो हमने संभालना है। तो क्वेश्चन में आगे लिखा मैंने, डेटर्स आर अलाउड 1 month टू क्लियर ऑफ द ड्यूज, ए फैक्टरिंग कंपनी इज विलिंग टू एडवांस 80% ऑफ द बिल्स रेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर अ फी ऑफ 1% अ मंथ प्लस अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स। तो एक कंपनी आई जो फैक्टरिंग का बिजनेस करती है, उन्होंने कहा कि 80% हम आपको पैसा दे देंगे, यानी कि 72 लाख का 80% दे देंगे और हमारी फीस होगी वो 1% पर मंथ होगी और कमीशन होगी 5% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डेट्स। जेनिथ लिमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट इज लाइकली टू सेव 48,000 एनुअली, यानी कि पैसा इमीडिएटली लेने से फैक्टर के जरिए वो 48,000 रुपए पर एनम बचा लेते हैं इन मैनेजमेंट कॉस्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ 1% बैड डेट इज ऑल्सो अवॉइडेड। तो पैसा मरने की जो एक प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो गई अगर फैक्टरिंग बिजनेस के अंदर ये अरेंजमेंट को एग्री करते हैं। साथ साथ क्या हुआ, एक प्रपोजल और आया इस कंपनी के पास, एक बैंक आता है सामने और बैंक ने कहा आई विल मेक एन एडवांस इक्वल टू 80% ऑफ द डेट्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%, यानी कि इसको हम बोल रहे हैं बैंक आता है कहता है कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग करा लो और 15% ब्याज लूंगा मैं आपसे, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस होगी डेट विल बी 1% ऑफ द डेट्स। तो अब सवाल उठता है बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, फैक्टरिंग का या बैंक का? पहली बात तो यह है कि ये तो कैलकुलेशन की बात है, मैं कैलकुलेशन दिखाई दूंगा आपको। पहली बात यह है कि हमें अपने क्लाइंट्स को यह भी सलाह देना है कि फैक्टरिंग नाम का भी मैकेनिज्म है। तो दो मैकेनिज्म नए आ गए आपके पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, एक आ गया ट्रेड्स, एक आ गया फैक्टरिंग। और अगर ये एक्सपोर्ट बिजनेस होता तो फैक्टरिंग की जगह हो जाता फॉरफेटिंग,
इतना ही फर्क आता। अब इसमें से कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है वो आपकी ड्यू डिलीजेंस होगी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द एमएसएमई क्लाइंट। देखिए कैसे वर्किंग करेंगे इसके अंदर। अगर मैं फैक्टरिंग में जाता हूं तो मेरा खर्चा जो होगा पर मंथ वो 24,800 रुपए का होगा। कैसे देखिएगा, एनुअल क्रेडिट सेल्स मेरी 100 लाख की थी, 72 लाख मेरी उधार पर थी, 72% आ गया, तो मंथली क्रेडिट सेल्स हो गई मेरी 6 लाख रुपए की। जो फीस मांगी थी फैक्टर ने कितनी मांगी थी, 80% 1% 4800 रुपए, कमीशन मांगा था 30,000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट जो आ रही है फैक्टरिंग की वो आ रही है 34,800 रुपए। लेकिन फैक्टरिंग में जाने से मुझे कुछ बचत भी हो रही है। वो बचत क्या हो रही है कि मुझे मैनेजमेंट कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि जो मेरा स्टाफ है वो फोन करके नहीं बताएगा कि पैसे दो भाई डिले हो गया है। तो जो वो कॉस्ट सेव हो रही है, रिमाइंडर कॉस्ट सेव हो रही है, वो हो गई मेरी 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आप देखेंगे 48,000 / 12 किया हुआ है। बैड डेट्स बच गए मेरे 6,000 रुपए के, यानी कि नेट फैक्टरिंग कॉस्ट पर मंथ आती है मेरी 24,800। आप देख लेते हैं कि अगर बैंक के पास जाता हूं तो बैंक के पास जाने से कितनी कॉस्ट आती है। बैंक के पास जाने से मुझे ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज की जो कॉस्ट आती है 6,000 रुपए आ गई, 15% ब्याज था। बैंक कहता है प्रोसेसिंग फीस भी लूंगा, तो 6,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस ही बैंक ले लेगा। बैड डेट्स आप बचा नहीं पाएंगे क्योंकि बैंक ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो 6,000 रुपए वहां लग गए। मैनेजमेंट कॉस्ट भी आप नहीं बचा पाएंगे, 4,000 वो लग गए, तो नेट कॉस्ट यहां पर आ गई 22,000। दोनों में से कहां पर फायदा नजर आ रहा है मुझे, बैंक के अंदर या फैक्टरिंग के अंदर। फैक्टरिंग में मैं कितनी बचत कर रहा हूँ, 24,800 की। बैंक में कितनी बचत कर रहा हूं मैं, 22,000 की। सो ऑब्वियसली आई विल गो बाय, अपने क्लाइंट के लिए, एंड दिस विल गिव यू विन-विन सिचुएशन। बैंक को भी तो बिजनेस करना है, फैक्टरिंग को भी बिजनेस करना है। आप ये वाला बिजनेस मॉडल पेश करो ना बैंक के सामने भी, फैक्टर के सामने भी, और वहां पर नेगोशिएशन होगा। बैंक कहेगा नहीं मैं तो कमीशन इतनी लूंगा, आप कहेंगे फैक्टरिंग तो इतनी कमीशन मांग रहा है, तो वहां पर क्या होगा, बाय वर्च ऑफ दिस बार्गेन अप्रोच कमीशन इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन एंड दैट विल बी द बेनिफिशियल इंपैक्ट फॉर द क्लाइंट। अच्छा एक बात और समझते हैं अब, गिरीश जी मैं 2 मिनट और लूंगा, मुझे पता है 1 बजने वाला है। ये देखिए प्राइवेट इक्विटी फंडिंग की बात मैंने की, एक बड़ी अच्छी बात बोली थी जनक जी ने और सुरेंद्र जी ने भी इस बात को बड़ा एम्फेसाइज किया था और काफी अच्छे से एम्फेसाइज किया था कि लोन लेके, केवल लोन लेके अगर एमएसएमई काम करना चाहेगी तो दिक्कतें रहेंगी, नहीं चल पाएगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है। उस चीज का तोड़ आता है प्राइवेट इक्विटी फंडिंग से। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर कौन होता है बेसिकली, एक ऐसा समझ लीजिए एज अ लेमैन बताऊं, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका भरपूर पैसा है और वो पैसे से पैसा बनाना चाहता है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। मैंने बिल्कुल लेमैन वाला एक सिस्टम बताया आपको। तो जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं मार्केट में काफी हैं, अगर आप उदाहरण के लिए देखें तो ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी हैं, जैसे कोटेक प्राइवेट इक्विटी, क्रिस कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल, IDFC प्राइवेट इक्विटी फंड, ये सारे आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यू हैव कार्ल ग्रुप, बेन कैपिटल, TPG ग्रोथ कैपिटल। नाउ बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स As professionals, we can guide the MSME units to approach these people also, that is private equity funds, or इनसे funds arrange किए जाएं। But एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, जब ये funds provide करेंगे तो आपकी MSME unit का company होना जरूरी है, तो आपकी MSME unit को आप company में convert करेंगे। आप private equity player से एक agreement sign करेंगे जिसको हम बोलते हैं shareholders agreement, जिसे private equity player अपना मांगता है exit route। वो एग्जिट रूट क्या होता है कि 10 साल के बाद 5 साल के बाद मैं कंपनी को छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि कंपनी आपकी बेनिफिट में आ जाएगी। तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे कि ये डिविडेंड कितना चाहता होगा, वोटिंग राइट्स कितना चाहता होगा, वो शेयर होल्डर को एडवाइस करने का काम करना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। एक बीच में एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जी, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जितनी भी है इनमें एमएसएमई डिफॉल्टर होता है तो उससे सिबिल खराब करके बैंकर्स उसको यूज में लेती है, तो ये सिस्टम कैसे खत्म हो सकता है सर? यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट इक्विटी कर रहे हैं, लोन की नहीं कर रहे, तो सिबिल पे इंपैक्ट नहीं आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसे हटके पूछ रहा हूँ, बीच में आ गया नॉन बैंकिंग का अगर आ गया
तो इसमें ये आजकल हम लोग एमएसएमई वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। किसी किसी ने अगर फाइनेंस करवा रखी किसी एनबीसीएल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, तो उसकी उससे डिफॉल्टर होने से सिबिल को बैंकर्स इफेक्ट। सर सिबिल, हाँ मैं समझ गया सवाल सर आपका, सिबिल ठीक करने के भी प्रावधान है। कैसे करें इसको, क्या वो कैसे करें? उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो इसी टॉपिक पर एक सेशन और रखा जाए क्योंकि प्रावधान लंबे चौड़े हैं। दूसरा, यहाँ पर मेरे सामने मैं तो दो लोगों को जानता हूँ, एक तो अतुल जी को और एक गिरीश जी को जी। इस चीज में ये लोग जो हैं अच्छे एडवाइजर्स हैं, इनको चाय पिलाई जाए ठीक करने के। तो ये ना अभी शांत बैठे हैं, लेकिन इनके पास इसका संजीवनी बूटी है। सुरेंद्र जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं एक उदाहरण दे देता हूँ सिबिल ठीक करने का तरीका। सिबिल खराब होता है जो डिफॉल्ट होता है, आप उस डिफॉल्ट का तोड़ निकाले ना, कि मैं कहता हूं कि डिफॉल्ट का रेमेडियल एक्शन क्या है और ये डिफॉल्ट क्यों ना माना जाए, या डिफॉल्ट माना जाए तो इसका डिग्री ऑफ डिफॉल्ट कम रखा जाए। आप कहते हैं कि बुखार जो 102 है, मैं कह रहा हूं बुखार 100 है, तो सिबिल स्कोर कुछ तो अच्छा होगा ना। वही डिफॉल्ट है, बुखार है, उस डिफॉल्ट को मैं ये ना कहूंगी 102 है, कहूंगा कि 100 है। वो जो नेगोशिएशन है, वो नेगोशिएशन जो आपकी होगी, दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग सिबिल स्कोर। इसके और भी तरीके हैं, या तो इसके ऊपर एक टॉपिक अलग रखे सीए इंस्टीट्यूट ब्रांच, या फिर गिरीश जी अतुल जी इसके ऊपर अपना आपको एडवाइस दें। बट द फैक्ट इज योर क्वेश्चन इज वेरी मच वैलिड क्वेश्चन, और इस चीज से एमएसएमई को परेशानी होगी होगी, क्योंकि जहां पर सिबिल्स खराब हुआ आगे और फंडिंग में दिक्कतें आएंगी। आखिरी चीज पे आता हूँ, इससे पहले मैं क्लोज करूं, ये सवाल दिलीप जी से होगा। दिलीप जी, सर सर मेक एनुअल फंडिंग चाहिए, या मुझे आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करा के दो, तो कैसे कराएंगे? सर दोबारा बोलिए, आवाज पूरा नहीं आया था मुझे। मेरा सवाल ये है कि मैं एक एमएसएमई यूनिट हूं और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि दिलीप जी मुझे एफडीआई ला के दो, मेरी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आओ, या मैंने कहा कि मुझे इंडियन बैंक से लोन नहीं लेना है, मुझे किसी विदेशी बैंक से लोन लेना है ईसीबी के रूप में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के रूप में, वो लाकर दो, तो मैं आपका क्लाइंट हूँ, फीस की चिंता मत कीजिएगा, फीस में गिरीश दिलवा दूंगा आपको, तो मुझे सलाह क्या देंगे आप, एफडीआई कैसे लाकर देंगे सर? क्या ईसीबी कैसे लाकर देंगे? नहीं सर, मैं चूंकि इस टॉपिक पर काम नहीं किया हूँ तो इस पर मैं अभी सक्षम नहीं हूँ जवाब देने के लिए। गिरीश जी आपका कुछ कहना इस पे? जब हम ईसीबी की बात करते हैं तो ईसीबी के लिए तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस हैं जो ईसीबी प्रोवाइड करते हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज भी हैं जो हमें जैसे आपने भी कहा इंटरनेशनल प्लेयर्स जो ये है, जी काम नहीं आंसर है जी, मैं वही तो अभी आपको कह रहा हूं इंटरनेशनल प्लेयर्स में है, मैं दिलीप जी को प्रोवाइड करते हैं जी, आप जो सामने अप्रोच कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर किसी बैंक के पास जाते हैं जिस जो बैंक फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है, उनको भी अगर आप रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे, दे विल आल्सो हेल्प यू इन अरेंजिंग ईसीबी बिकॉज दैट गिव्स बिजनेस टू द बैंक आल्सो। ओके, अगर आप एक्स वाई जेड बिजनेस एक्स वाई जेड बैंक से ईसीबी अरेंज करते हैं तो पैसा तो देखो इंडियन बैंक में पहले आएगा ना, आपको उसके बाद मिलेगा जी, तो उनको भी तो बिजनेस मिल रहा है ना, इंडियन बैंक्स को भी। सो दिस वे यू कैन अरेंज। अगर मैं सारी चीजों का सार निकालूं, ये पीपीटी तो बहुत कुछ है लेकिन अगर जितना भी टॉपिक मुझे दिया गया सार निकालूं ना, तो एमएसएमई को लेकर मैं एक ही सार में बोल सकता हूं कि एमएसएमई को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक सवाल अपने आप से पूछना है, वो सवाल है व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट वी फील और व्हाट वी डिजर्व। केवल इस फीलिंग में रहकर कि एमएसएमई है नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं कर पाएंगे बैंक्स वगैरह, इससे काम नहीं चलेगा। व्हाट दे डिजर्व इज दे डिजर्व द बिजनेस। और गिरीश जी ने शुरू में एक बात बोली कि आज एसएमपी डे भी है, स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स डे, तो इफ वी आर द स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स तो हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, एमएसएमई का दर्द एसएमपी समझ सकता है, और अगर ये समझ सकते हैं तो देयर विल बी अ सिनर्जी, और अगर वो सिनर्जी होगी
तो अपने आप ही काम बनता चला जाएगा। बहुत सारे काम है एमएसएमई को जो हम एडवाइस में ले सकते हैं, टीवी स्टडी है, टेक्नोइकोनॉमिक वायबिलिटी स्टडी है, इंसॉल्वेंसी लॉ है, वैल्यूएशन है, एफडीआई ईएसबी है, बैंकिंग कंपनी को समझाना कि जो आप कह रहे हो वो उचित नहीं है या किस हद तक उचित नहीं है एंड सो ऑन। तो मेरी तरफ से इतना ही था, आपके कोई सवाल हो तो मेरा ईमेल आईडी फोन नंबर है, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे समय दिया गया था 1 बजे तक का, 1:05 हो गए, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत धन्यवाद, आपका नोट कर लिया हमने, संपर्क करेंगे आपसे, रखेंगे आपने। जी मोस्ट वेलकम सुरेंद्र जी। गिरीश जी आपकी परमिशन से मैं स्क्रीन को स्टॉप शेयर कर दूं। कमल सर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? बाद में पूछ लेना यार। नहीं नहीं एक छोटा सा अभी। बताइए पूछिए। सर जैसे प्राइवेट स्मॉल कंपनीज हैं, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, उसके पास ना एनबीएफसी के काफी लोन हो जाते हैं लोग, क्योंकि एनबीएफसी बिजनेस लोन जनरली 18-20% पर देती हैं। तो ये जो प्राइवेट छोटी कंपनियां हैं एमएसएमई, ये जनरली उसकी एडिक्ट हो जाती है, एक लोन उतरता नहीं है, दूसरा लोन ले लेते हैं और टॉपअप भी ये छोटे छोटे देते रहते हैं। अब एक समय एक ऐसा आता है कि ये लोन बड़ा हो जाता है और ये फिर 20% की कॉस्ट रेट इनका पर बर्डन पड़ने लगता है। तो ये फिर ये मतलब ये इनसे उभरे कैसे, क्योंकि इनको तो आदत लगी रहती है और बाद में हमारा रोल आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग का। ये जो आप बात बोल रहे हो ना दिलीप जी, अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। नहीं वो तो सर क्या है कि देखो मैं इसका मैं बता रहा हूँ आपको, एक बात से सहमत है कि जो कुछ भी ये हुआ या हो रहा है ये पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग है सर। ये इसमें दोनों चीज हो सकता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दें, जो कुछ भी हुआ फॉर वट एवर रीजन, इसके बाद एमएसएमई के पास कुछ ऐसा प्लान है कि वो रिकवर हो सकती है? इफ द आंसर इज नो कि भाई अब एमएसएमई ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं, तो उस केस में गो टू द इंसॉल्वेंसी लॉ, मेक यूज ऑफ प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जहां पर एमएसएमई खुद ऑफर कर रही है कि मुझे रिवाइव कर दो। जो नया लॉ अभी अनेक्ट हुआ इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर, उसका इस्तेमाल कीजिए ना। ओके ठीक है। और उसका इस्तेमाल करने में बस एक जो मेहनत लगेगी और बड़ी कड़ी मेहनत है, वो मेहनत ये है कि जो प्री पैक इंसॉल्वेंसी सिस्टम आप बनाना चाह रहे हो क्लाइंट के लिए, उसके कागज पत्र तो अच्छे बने ही बने, बैंक से नेगोशिएशन भी अच्छी हो। कैसे नेगोशिएशन करना होगा वो वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन बैंक को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने सरफेसी कानून इन्वोक करके पैसा रिकवर करने की कोशिश करी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपने स्टेक होल्डर बन के काम किया तो ना केवल आप पैसा रिकवर कर पाओगे बल्कि जो यूनिट है ये रिवाइव भी हो जाएगी। तो मेरा सुझाव ये है कि आप एक बार पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री पैक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, ये कानून बनाया ही इसलिए गया। तो इसमें प्रमोटर्स को हमें पूरा बताना होगा ना सर, क्योंकि वो नहीं इसमें सर जनरली जो इम्पैक्ट कंपनियां हैं वो तीन है सर मेरे पास पर्सनली। एक तो इवेंट वाली है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, एक है टूरिज्म वाले हैं, और एक है सर मेरा ऑटो सेक्टर से सर्विस सेंटर। तो इनका ड्यू टू सर प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ नहीं है सर, वो बिजनेस ही नहीं आया इनके चलते और इनके पास हैवी कॉस्ट के चलते वो प्रॉब्लम है ना। देखो अगर आप इसको रिवाइव करना चाहोगे तो कुछ तो मुझे भी कन्विंस करोगे ना बीइंग अ बैंकर कि मैं आपको मोहल्ला क्यों दूं। वो वाला प्लान तो आप उसके साथ बैठ के बनाओगे ना। अगर मान लो टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल ही बंद पड़े हैं, तो आप प्रोजेक्शन तो करोगे ना। आप प्रोजेक्शन करने के टाइम पर आपको देखना पड़ेगा, थर्ड कोविड वेव की बात भी हो रही है, हो सकता है अगले साल भी सिचुएशन अच्छी ना हो, तो वो बैंकर कहेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता। आगे उसे ऑल्टरनेट तरीका है, तो आप कहेंगे मेरे पास ऑल्टरनेट तरीका है बिजनेस रिवाइव करने का, टूरिज्म नहीं चल रहा, तो टूरिज्म नहीं चलने पर रोजी रोटी कैसे चला रहा है वो, उसका तरीका तो वही बताएगा। अब वो रोजी रोटी चला रहे के लिए 10 रुपए कमा रहा है, तो वो बैंक कहेगा कि यार 8 रुपए आप दो तो मुझे दो, लेकिन वो 2 रुपए कब दोगे, ये आपका काम होगा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताना, और यही है प्रीपैक इंसॉल्वेंसी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे होते हैं तो लगता है कि 20 ओवर खत्म होने के बाद भी बैटिंग चलती रहे, वही स्थिति है अभी हमारी। हमें लग रहा है कि बैटिंग चलती रहे लेकिन वो 20 ओवर खत्म हो गए हैं, तो अब हमें इस इनिंग को यही लगता है समाप्त करना पड़ेगा।
जी जी बहुत बढ़िया गिरी जी, इसमें अगर आप परमिट करें और कमल जी भी परमिट करें तो दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगा, जो बेसिकली मेरा अपना लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के साथ के है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग की कमी रहती है, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द टाइम डिफिकल्टी आती है। मैंने ये देखा है कि जब हम एमएसएमई या किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करना चाहते हैं तो कई बार होता है कि हमने आधा काम कर लिया, उसके बाद हम बैंक भागते हैं कि अब हमको बैंक लोन की जरूरत है। मैं जहां तक समझता हूँ, एज ए व्यापारी और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सबकी मिलकर के जिम्मेदारी ये है कि जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो उसकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से पहले दिन से हो, और पहले दिन से ये डिसाइड हो कि कौन सा फंड मेरे को लॉन्ग टर्म फंड पर्पज के लिए चाहिए, कौन सा फंड मेरे को शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए चाहिए। होता क्या है, हम जब प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए नाटा जी को ही कोई प्रोजेक्ट लगाना है, नाटा जी ने कहा मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, मैं पहले 5 करोड़ रुपया लगा देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तब हम बैंक का देख लेंगे। अब प्रोजेक्ट लगाते लगाते मान लीजिए नाटा जी ने प्रोजेक्ट कॉस्ट 6 करोड़ एस्टिमेट करी थी, 6 करोड़ उनके पास था, बट एस्केलेशन हो गया, कंटिन्जेंसीज आ गई, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट 6 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ हो गई और वो प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। अब उसके बाद जब नाटा जी बैंक जाते हैं तो बैंक को लगता है अरे नहीं भाई, पता नहीं इन्होंने कितना पैसा लगाया है नहीं लगाया। तो मेरा जहां तक मानना है कि जब भी हम इंडस्ट्री की शुरुआत करें या मन में विचार आए कि हमको कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी भी जिम्मेदारी है कि पहले पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपरली असेस करें और ये जाने कि क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाला है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, हमें कॉम्पिटिटर के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, हमको मार्केट को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं तो एक रीजनेबल एश्योरेंस के साथ ये देखते हुए कि हमारी रिक्वायरमेंट टर्म लोन की कितनी है और वर्किंग कैपिटल लोन की कितनी है, और जो प्रमोटर की लिक्विडिटी है वो कितना, मैक्सिमम लिक्विडिटी प्रमोटर के हाथ में है, वो प्लानिंग करके चले। कई बार क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट तो 5 करोड़ की है और हमारे पास बैंक बोलता है साहब मैं तो 4 करोड़ दे सकता हूँ, मेरी चीफ मैनेजर की पावर तो 4 करोड़ की है। हम बोलते हैं ठीक है सर, आप 4 करोड़ दो, 1 करोड़ के लिए बाद में देखेंगे। जैसे ही हमने अंडर लिमिट अवेल की, हम कहीं ना कहीं क्राइसिस में फंस जाते हैं। मैंने देखा है कई बैंक्स का अभी जैसे सिस्टम है बैंक फाइनेंस में कि 20% ऑफ द टर्नओवर आपको बैंक की लिमिट मिल जाती है, उसके साथ साथ एक उनका सिस्टम है जो वर्किंग कैपिटल साइकिल की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद बोरोवर्स की राइटिंग में ले लेते हैं। अच्छा, उसमें बैंक का अगर आप आरबीआई का रूल पढ़े तो आरबीआई का रूल ये है कि 20% ऑफ द टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल साइकिल, उसके हिसाब से दोनों में से जो ज्यादा लिमिट आई वो बैंक को देनी है। बट क्या करते हैं कि जो कम लिमिट असेस होकर के आती है वो बोरोवर को दे देते हैं और बोरोवर उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, और साथ में कुछ बैंक अंडरटेकिंग भी साथ में ले लेते हैं कि हाँ जी मेरा काम 4 करोड़ में चल जाएगा, 5 करोड़ की जगह 4 करोड़ में चल जाएगा। इस तरीके के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं जिन पर हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते, एक तो वो हमारे को कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को तकलीफ दे रहे हैं, दूसरा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारा मेंटेन होना चाहिए, जो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी कोई इंटेंशंस खराब है, बट एक कैजुअल अप्रोच जो है, हमको कैजुअल अप्रोच से भी बाहर आना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस, क्योंकि बैंक का जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, जैसा कमल जी ने भी कहा कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट रेटिंग, इन ए सिमिलर वे क्रेडिट रेटिंग सिस्टम में नॉट ओनली द फाइनेंशियल डिसिप्लिन बट ऑल्सो द एक्सपोजर बट ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रमोटर, आपका मार्केट क्या है, मार्केट की कंडीशंस क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, फैक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर जाते हैं। ऐसे ही जब बैंक का अकाउंट एनपीए हो रहा होता है, जैसे हम सब जानते हैं कि एक सिस्टम है SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA 3, तो अगर एज ए इंडस्ट्री हम SMA 1 में जैसे ही हमारा अकाउंट आता है उसी टाइम अगर हम उसको मॉनिटर कर लें और उसमें क्या क्या डेफिशिएंसीज चल रही हैं उनको पहले दिन से मॉनिटर करना, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, हमको सब कुछ पता है कि कंपनी में कहाँ प्रॉब्लम है, और अगर हम प्रमोटर के साथ बैठ करके उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनका सोल्यूशन दें, तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडस्ट्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों मिलकर के साथ काम करेंगे तो जो डिफिकल्टीज आती हैं वो डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। प्रॉब्लम आती है हम बैलेंस शीट लास्ट डेट्स पर हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैलेंस शीट को प्रॉपरली एनालाइज कर पाए। और मेरी रिक्वेस्ट एक सभी से ये है कि जो भी हम पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स की भी बैलेंस शीट जब बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रीवियस ईयर फिगर्स को कंपेयर नहीं करते, हम अपना एक कॉलम प्रीवियस ईयर का भी बनाए और उसके पास्ट में क्या परफॉर्मेंस थी और अभी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या परफॉर्मेंस में अगर डिक्लाइन है तो उसका क्या रीजन है, उसको भी अगर साथ के साथ एनालाइज करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा एमएसएमई उद्योग का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल भविष्य होने वाला है। लेकिन हमको हाथ साथ में चलना पड़ेगा, हाथ मिला करके चलना पड़ेगा,
और इंडस्ट्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर के अपने आप में एक अनूठा प्रयास अनूठा कह सकते हैं मिसाल पेश कर सकते हैं सभी के सामने और हिंदुस्तान की एमएसएमई इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म दे सकती है कि हाँ ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं जो सक्सेसफुली प्रॉफिट पर काम कर रही हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही हैं। बस मैं यही चीज कुछ ऐड करना चाहता था। तो कमल जी का डेफिनेटली प्रेजेंटेशन वॉज रियली वंडरफुल और आज मुझे अपनी कुछ पुरानी चीजें सुन करके बड़ा अच्छा लगा जिसमें कमल जी ने फैक्टरिंग की बात की और ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग की बात की जो मैं लगभग सन 2008 और 2009 में मैंने काफी उस पर काम किया था और इसमें मैं समझता हूँ कुछ नए ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो अगर हम सब मिलकर के चलें तो लीज डिस्काउंटिंग भी अवेलेबल है, लीज फाइनेंस भी अवेलेबल है, हायर परचेज फाइनेंस भी अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। जहां तक दिलीप जी का सवाल था जिसमें उन्होंने हाई कॉस्ट डेट की बात कही है, वहां भी फिर दिक्कत तीन चीजें आती हैं। एनबीएफसी से जब आप हाई कॉस्ट डेट लेते हैं तो वहां एक इशू और आता है कि हम टीडीएस में डिफॉल्ट करते हैं। हमने मान लीजिए किसी भी एनबीएफसी से लोन ले लिया, ईएमआई जा रही है, लेकिन उसके इंटरेस्ट पर टीडीएस हम नहीं काट रहे हैं, वो डिफॉल्ट हो रहा है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डिफॉल्ट है और वो कहीं ना कहीं हम एज ए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट भी करना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अगर हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो उन चैलेंजेस को आराम से हम चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कमल जी एंड गिरीश जी फॉर अलाउंग यू टू ऐड दीस वर्ड्स। थैंक यू अतुल जी। अतुल जी के कमेंट्स तो हमेशा हमारे लिए एक्सपर्ट कमेंट्स हैं आफ्टर दिस। थैंक यू अतुल जी। नाउ फ्रॉम टुडेज डिस्कशन एटलीस्ट वी हैव कम टू अ कंक्लूजन कि सीएस एंड एमएसएमईज और सीएस के जब हम बात कर रहे हैं सीएस में भी एसएमपीज जिनका आज हम इंटरनेशनल एसएमपी डे मना रहे हैं और इंटरनेशनल एमएसएमई डे मना रहे हैं दे गो हैंड इन हैंड एंड we all can work together. इसमें दोनों को mutual benefits हैं. As a professional, we can always provide. अब हमें auditing और balance sheet से बाहर CS को सोचना है और अपने एक catalyst के रूप में, एक hand holder के रूप में अपने आप को businessman के साथ चलना है. businessman को भी अपने chartered accountants को इसी रूप में देखना है, तभी हम सब साथ चल पाएंगे. अब मैं निवेदन करूँगा मयंक गर्ग जी हमारे सचिव से वोट ऑफ थैंक्स के लिए। म्यूट हो मयंक जी। हाँ, थैंक यू गिरीश जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कमेटी मेंबर ऑफ गौतम बुद्ध नगर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई, श्री अतुल अग्रवाल जी वाइस चेयरमैन ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई। टुडे गेस्ट स्पीकर सी सीए कमल गर्ग, ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर जनक भाटिया जी प्रेसिडेंट यूपी लघु उद्योग विहार भारती, सुरेंद्र नाहटा जी एमएसएम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा, श्री रमन चावला जी वाइस प्रेसिडेंट यूपी स्टेट लघु उद्योग भारती एंड ऑल दी पार्टिसिपेंट। इट इज ऑनर फॉर मी टू हैव दी अपॉर्चुनिटी टू गिव अ वोट ऑफ थैंक्स ऑन दिस स्पेशल डे। आई ऑन बिहाफ ऑफ गौतम बुद्ध नगर ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई हार्टफुल वोट ऑफ थैंक्स टू ऑल द डेलीगेट्स ऑन द सेमिनार फॉर देयर प्रेजेंस and contribution to make the seminar successful. I extend my thanks to our honorable guest and guest speaker to take out time for his busy schedule to grace the event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. Thank you everyone once again for making it a great successful. Thanks everyone. Namaskar sir. Namaskar. With this, we conclude this seminar. Thank you. Thanks, everyone. नाटा जी, नाटा जी एंड जनक जी को मैं ये एश्योर कर सकता हूँ नोएडा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से कि हम सब आपके साथ हैं जिस तरीके से भी जहाँ भी आपको जरूरत है। Thank you, अतुल जी. Thank you. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. नाटा जी ने कहा, we are always ready. और भी प्रोग्राम हम साथ में कर सकते हैं और जहाँ आप सभी जोड़ सकते हैं। उनको आप अपनी इंडस्ट्रीज में प्रमोट करिए। बहुत सारी स्कीम्स है, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, टेक्सटाइल यूनिट, इस सब में सब्सिडीज है, अच्छी सब्सिडीज है, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। मेरे मिलते हैं आपसे, मिलूंगा, मैं मिलूंगा और करेंगे। नमस्कार। ठीक है सर, नमस्ते सबको। नमस्ते जी, नमस्ते।
चला लगा रखे हैं तो बोला भी नहीं हाँ ये बंद हो गया चालू हो गया बंद हो गया सारा ना एक ही सिस्टम है किन्हों ही बंद ऊपर ही चालू ऊपर ही बंद हो तो बोला तो हो ये हाँ कौन आ जाए हाँ हाँ राजा है क्या और जवान तो कहीं बंदे हाँ ये तो मीटिंग में लग रहा था इतना कौन खाओ सब बे मैं गाल दिया गाल दे वेपन खराब बे गाल दे बे उन्हें कहाँ ही Mm-hmm.